Hi everyone, good afternoon. Welcome to an academy. कैसे हैं सब बच्चे? So I hope everyone is very much ready and everyone is filled with confidence to complete. जो देखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन पढ़ने में हमें ठीक लगता है, दैट इज कॉकरोच, है ना? कॉकरोच ये सामने ही बना हुआ यार, बड़ा भयानक लगता है. हमारे सामने आ जाए तो यार सबके हाथ खड़े हो जाते हैं. रात में स्पेशली कभी हम वॉशरूम जाए और हमें कॉकरोच दिख जाए, कितनी भी नींद आ रही हो वो नींद ऐसे झट से खुल जाती है, क्योंकि है ही ऐसा प्राणी, है ना? है छोटा सा लेकिन देखने में इसको बड़ा डर लगता है ना? देखने में बेटा जी इसको बहुत ज्यादा अपन को डर लगता है कि नहीं? है, मुझे तो यार लगता है, पता नहीं तुम्हें लगता है कि नहीं, बट इतना भी नहीं लगता कि मैं उसे मार ना सकूं. आई यूजुअली किल द कॉकरोच, है ना? कहते हैं मारना गुनाह है, बिल्कुल मारना गुनाह है, बट ऐसी ये तो सेल्फ डिफेंस है. मुझे लगता है सेल्फ डिफेंस तो गुनाह नहीं है, अपने आप को बचाना. क्योंकि यार जब तक तो वो चल रहा होता है तब तक हमें लगता है चलो ठीक है, लेकिन अगर बेटा उसने उड़ने की कोशिश की, अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो यार तब हमें लगता है अत्यंत डर. हम बाथरूम को बंद करते हैं, उसको अंदर उड़ने देते हैं और अंदर बेटा डर के सो जाते हैं. यस, तो आज हम करने वाले हैं उसी कॉकरोच के बारे में. किसको डर लगता है यार? यस, किस किस बच्चे को कॉकरोच से डर लगता है? एक बार जरा पोल में बता दो, पोल में बता दो फटाफट से. कॉकरोच से किस किस को डर लगता है? यस, कॉकरोच फ्लाई करता है तो हम उसे डबल स्पीड से फ्लाई करते हैं, है ना? इफ कॉकरोच फ्लाइज देन वी फ्लाई विद द डबल स्पीड, राइट? हाँ, तो यार कोई बात नहीं, आज देखते हैं यार कॉकरोच उड़ता कैसे है, कॉकरोच चलता कैसे है, फिर हम पहचानने की कोशिश करेंगे ये मेल कॉकरोच है या फिर फीमेल कॉकरोच है, फिर खाना कैसे खाता है, अब मैं तलवार लेके इसकी मुंडी काटूं तो क्या कुछ होगा इसको या फिर नहीं होगा, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, अंडे कहां पर छोड़ता है, किस जगह पर अगर देखना चाहे तो वहां देख सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच की आज यहां पर. कॉकरोच एक ऐसा टॉपिक है एनसीईआरटी का जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है. क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा सीधा एनसीईआरटी से आएगा. ये जेनेटिक्स की तरह नहीं है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बायोटेक की तरह नहीं है, फिजियोलॉजी की तरह नहीं है, ये डायरेक्ट अपना एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है. इससे बाहर एक लाइन कोई बच्चा करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा. आज तक इसमें बाहर से सवाल नहीं आए, डायरेक्ट एनसीईआरटी के आए, लेकिन एनसीईआरटी में भी याद करने का बहुत कुछ है. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ. आज जैसे जनरली जब मैं एनसीईआरटी हाईलाइट करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं नई एनसीईआरटी डाउनलोड करूं. टुडे व्हेन आई डाउनलोडेड इट्स एनसीईआरटी टू यू नो हाईलाइटेड, तो मैंने इस चैप्टर पे क्लिक किया, चैप्टर नंबर 7 था आई गेस, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू माई सरप्राइज दैट चैप्टर हैज डिलीटेड कॉकरोच फॉर 2024. मैं आपको यार नई एनसीईआरटी दिखाऊं, उसमें उन्होंने इस चैप्टर में से एनिमल टिश्यू तक निकाल दिया, और मेरा फेवरेट टॉपिक तक निकाल दिया. ये नई एनसीईआरटी मैंने आज डाउनलोड की थी, मैंने कहा चलो कॉकरोच ना नए वाले में से करते हैं, बच्चों को यू नो क्लैरिटी रहेगी. नो एनिमल टिश्यू, नो कॉकरोच, ओनली फ्रॉग इज देयर, ओनली फ्रॉग इज देयर बेटा. ना अर्थवॉर्म है, अगले साल वालों के लिए, आपके लिए बात नहीं हो रही, आपके लिए बात नहीं हो रही बेटा, अगले साल वालों के लिए कॉकरोच भी नहीं है, अर्थवर्म भी बुक से गायब कर दिया और एनिमल टिश्यू भी बुक से गायब कर दिया. तो यार अच्छी बात नहीं है यार, सब काट दे रहे हैं, सब कुछ काट दे रहे हैं, आपके लिए नहीं है, 2023 वालों को तो है यार, क्योंकि एनटीए ने अपने बुलेटिन में लिखा है. हो सकता है एनटीए अगले साल भी अपने बुलेटिन में लिख दे 2024 वालों के लिए कि यार तुम में आएगा, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि यार एनसीईआरटी फॉलो होनी चाहिए, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर 2024. बट सीबीएसई में से तो काट ही दिया है, तो यार फिर मुझे अपने पुराने एनसीईआरटी देखनी पड़ी, कॉकरोच की मिल ही नहीं रही थी तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया अपने को. एनीवे शुरू करें बेटा, आज के लिए सब एक्साइटेड है, आज के लिए सब बच्चे एक्साइटेड है. एक बारी सेशन को लाइक करके बता दो, सब्सक्राइब कर दो. आज सेशन छोटा होगा, आज मैं ज्यादा समय लूंगी, एक घंटे में, सवा घंटे में हम इसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं बेटा कॉकरोच को. तो कॉकरोच के पास मेरे पास ये भी है, देन बेटा अपने पास अपनी एनसीईआरटी का हाईलाइट जो तुम्हारे साथ जस्ट अभी टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया. आई होप सब बच्चे खोल के बैठे इसको, और साथ में अपने ये वाले सुपर नोट्स भी हैं. ओके जी, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगी, सिंस हम काफी टाइम बाद इसको ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा हैंड रिटन फॉर्म में भी आपको कराऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बट सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपन लोग लिखते रहेंगे. ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग लिखते रहेंगे. चलिए आ जाइए बेटा, शुरू करते हैं अपने कॉकरोच से. कॉकरोच किस फाइलम को बिलोंग करता है? सबसे पहली चीज आती है कॉकरोच किस फाइलम को बिलोंग करता है. तो थोड़ा थोड़ा मैं लिखूंगी, जहां जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी आई विल ओपन द एनसीईआरटी एंड देन आई विल मेक श्योर कि आप उस पॉइंट को लर्न कर रहे हो. ठीक है, लर्न कर रहे हो, आ जाओ.
बेटा आपके सिलेबस में सब कुछ है, एनिमल टिश्यू भी है, कॉकरोच भी है। दोबारा सुन लो, 2023 वाले बच्चों, आप में एनिमल टिश्यूज भी आ रहा है और कॉकरोच भी आ रहा है। देखो फ्रॉग एंड अर्थवर्म कभी से भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में लास्ट ईयर तक घुसा हुआ है। ये सिलेबस में ना होने के बावजूद 2021 में एनटीए ने हमको दे दिया था इस पे सरप्राइज। सरप्राइज ये दे दिया था कि यार इन्होंने एक क्वेश्चन अर्थवर्म का डाल दिया, डाला सेक्शन बी में था बट फिर भी एक क्वेश्चन अर्थवर्म का डाल दिया। तो 2022 वाले बच्चों को मैंने फ्रॉग एंड अर्थवर्म लास्ट के एक हफ्ते में जस्ट रीड करवा दिया था कि इन केस अगर क्वेश्चन सेक्शन ए में आता है तो एटलीस्ट हो सकता है तुम्हें वो चीज याद रह जाए, क्योंकि आएगा एनसीईआरटी बेस। तो मैंने उनको एक बार पढ़वा दिया था। सेम मैं आपके साथ करूंगी, मैं आपको एक बार ये चीज कुछ समय बाद, मैं बाद क्यों कह रही हूं, अभी क्यों नहीं, क्योंकि यार वो एक ही बार पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे, अभी पढ़ेंगे तो आपको पता ही 15 दिन का साइकिल होता है अपना, हम लोग भूल जाते हैं। तो लास्ट के एक हफ्ते में हम फ्रॉग एंड अर्थवर्म की रीडिंग ले लेंगे, लाइव आकर ले लेंगे, अभी के लिए नहीं ले रहे, ठीक है जी। ओके एवरीवन इज विद मी, सबको समझ आ गया फ्रॉग अर्थवर्म का सीन, ठीक है। क्यों हम अकेला कॉकरोच कर रहे हैं, क्या हम छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे यार, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन भी क्यों छोड़ू मैं, है ना। हो सकता है बिल्कुल डायरेक्ट आ जाए मेरे बच्चों, तुम्हें पढ़ा हुआ आ जाए, तुम्हें याद आ रहा हो, तो यार 4 नंबर वहां से पक्के कर लेंगे, ठीक है। अब कोई दोबारा नहीं पूछेगा मेरे से उसके बारे में, अब दोबारा मेरे से वो कहानी नहीं पूछेंगे, ठीक है, दोबारा नहीं पूछेंगे। चलिए आ जाइए, तो शुरू करते हैं बेटा कॉकरोच की कहानी। यस, कॉकरोच को हिंदी में क्या बोलते हैं, खैर ही पूछा नहीं जाएगा, कॉकरोच को हिंदी में बोलते हैं तिलचट्टा, ठीक है। कॉकरोच जो है ये रात में पाए जाने वाला प्राणी है, रात में दिखता ना यार, नॉक्टर्नल है कि नहीं, नॉक्टर्नल है ना, सब कुछ खा लेता है, प्लांट डाइट भी खा लेता है, हमारा कपड़ा भी खा लेता है, फूड भी खा लेता है, सब कुछ खा लेता है। यानी कि ये क्या है, अपना ओमनीवोरस प्राणी है। क्या है बेटा जी, ओमनीवोरस प्राणी है। कैसे चलता है, चलता है बेटा अपनी लेग्स की मदद से। जो बंदा अपनी, जो ऑर्गेनिज्म लेग की मदद से चलता है उसको बोलते कर्सोरियल। कैसा है, कर्सोरियल है, ठीक है जी। ये किस फाइलम का हिस्सा है, ये बेटा जी किस फाइलम का हिस्सा है, अगर हम फाइलम पूछेंगे तो यार लार्जेस्ट फाइलम आ जाता है। इस लार्जेस्ट फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। अब फाइलम के अंदर क्या होती है बेटा जी, क्लासेस होती हैं। अगर बात करें इसकी क्लास की, तो इसकी क्लास आ जाती है बेटा क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा, क्या किसी बच्चे को, क्या किसी बच्चे को इसका साइंटिफिक नेम पता है, हां जी। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम पता है, याद है या नहीं है, यस याद है या नहीं है, फटाफट से लिख के बताओ, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम लिख के बताइए। ओके यस, सब बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे आज, इसको सब कुछ है हमारे पास, अपने सुपर नोट्स भी हैं, हमारे पास हाईलाइटेड एनसीईआरटी भी है, और हम थोड़ा सा इसको लिख के समझने की कोशिश करेंगे, 3-4 पेज बनेंगे और उसी में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, इसका नाम है पेरी प्लानेटा अमेरिकेना, पेरी प्लानेटा अमेरिकेना, अमेरिकेना, ठीक है जी। यस, किस जगह पर पाया जाता है बेटा, जहां पर हल्का गीलापन होता है। तुम सोचते हो ना कॉकरोच हमारे किचन की सिंक के आसपास मिलेगा या फिर बाथरूमों में मिलेगा, ऐसे बाहर बालकनी में नहीं मिलता जनरली कॉकरोच। इसको पसंद कौन सी जगह होती है, इसको पसंद होती है डैम्प प्लेस। डैम्प मतलब थोड़ा सा गीली प्लेस, और साथ में जहां पर बहुत सारा खाना भी मिले, जैसे अपनी किचन में मिलता है इसको खाना, है ना, ऑर्गेनिक फूड की प्रेजेंस हो, उस जगह पर बेटा आपको कॉकरोच बहुत सारे मिल जाएंगे। आपका बाथरूम हो गया, आपकी किचन हो गई, इसकी फेवरेट प्लेस है, ठीक है, फेवरेट प्लेस है। तो मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड कॉकरोच इज नन अदर देन पेरीप्लानेटा अमेरिकेना, ठीक है, मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड कॉकरोच इज नन अदर देन पेरीप्लानेटा अमेरिकेना। ओके, अब बात करते हैं बेटा कॉकरोच के शेप एंड साइज की, ठीक है। वैसे तो कॉकरोच तुम्हें पता है रेड से कलर का होता है, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज में आपको कुछ हरे रंग के कॉकरोच देख रहे हो, यस, येलो कलर के कॉकरोच, रेड कलर के कॉकरोच आपको दिख जाते हैं, बट जनरली कॉकरोच डार्क रेड मरूनिश से कलर का आपका होता है, राइट। बॉडी ऑफ कॉकरोच की अगर बात करें, अगर बेटा इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और बॉडी, बॉडी जो है ना यार इसकी, बॉडी जो है ना यार इसकी कैसी है बॉडी बेटा, लंबी है ना, लॉन्ग है, नैरो है, पतला सा होता है, ज्यादा मोटा तो है नहीं, और क्या है, सिमेट्री कैसी होती है, ऑर्थ्रोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा में सिमेट्री कैसी होगी, बाय लैटरल सिमेट्री
प्रस्तुत होगी। कैसी? बायलेटरल सिमेट्री बेटा प्रस्तुत होगी। रेडिश ब्राउन से कलर का शाइनी सी अपीयरेंस देता अपना कॉकरोच प्रेजेंट होता है। इसके आगे क्या लगे होते हैं? एंटीनाज लगे होते हैं। शक्ल देख लो यार, इसकी शक्ल देख लो, फिर तुम कहोगे दिखाया नहीं। ठीक है, ये देखो यार, एंटीना लगे होते हैं। लंबी सी बॉडी है, पतली सी बॉडी है, और यहां पे बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखाई देने को मिल जाएंगे। अब आता है कॉकरोच की बॉडी की लेंथ। यस, लेंथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर दी हुई है। इंच में बात करेंगे, कॉकरोच की जो बॉडी है वो 1/4 इंच, ठीक है, से 3 इंच तक है, दिया हुआ है, याद करना। 3 इंची कॉकरोच है अपना, कितना? 3 इंची मैक्सिमम है। 1/4 to 3 inches, यानी कि 0.6 से बेटा 7.6 सेंटीमीटर। एक स्केल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर का होता है, तो 7.6 सेंटीमीटर तुम देख लो स्केल के हिसाब से कितना रहेगा। ठीक है, लॉन्ग बॉडी है, एंटेनास लगे होंगे, रात में पाए जाने वाला, डैम्प एरियाज में पाए जाने वाला, और बड़ा सीरियस वेक्टर है ये, परेशान करता है, पेस्ट है, अपने खाने को कंटामिनेट करता है, खाने को बेटा जी कंटामिनेट करता है। अब बात आती है इसके एक्सोस्केलेटन की। भैया एक्सोस्केलेटन हमें ऑर्थ्रोपोडा का पता है, हमें ऑर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन पता है। ऑर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है, तभी तो वो सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है। तभी तो बेटा ऑर्थ्रोपोडा सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है। अब यार ये जो काइटिन है ना, काइटिन इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। मान लो ये कॉकरोच है, कॉकरोच का वो हिस्सा जो हवा को फेस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल। नीचे वाला हिस्सा जो ग्राउंड को फेस कर रहा है इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल। और साइडों वाला हिस्सा क्या होता है? लैटरल, याद करना है। डॉर्सल, वेंट्रल एंड बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? आपका लैटरल हिस्सा आ जाएगा। अब ये जो काइटिन है ना, काइटिन बेटा प्लेटों की फॉर्म में अरेंज्ड है, डॉर्सल प्लेट, वेंट्रल प्लेट एंड बेटा लैटरली भी है, और ये चारों प्लेट्स आपस में ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लेट ऊपर अलग लग रही है, एक नीचे अलग, साइडों पे अलग, नहीं है, प्लेटें अलग अलग लेकिन आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं। अब इन प्लेट्स का नाम याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस काइटिन की प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं बेटा काइटिन की प्लेट्स को? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। यस, याद हो गया। अब ये स्क्लेराइट मैंने बताया डॉर्सल साइड पे भी है, यानी कि ऊपर की साइड पे भी है, और किस पे है? वेंट्रल साइड पे भी है, और किस पे है? साइडों पे, लेफ्ट और राइट साइड, यानी कि लैटरल साइड पे भी है। क्वेश्चन क्या आएगा? आपको नाम कम से कम पता होना चाहिए। डॉर्सल वाली प्लेट का नाम, यस दैट इज कॉल्ड एज टर्गा, टर्गम, ठीक है। वेंट्रल वाली प्लेट का नाम, जैसे हमारे वेंट्रल में स्टर्नम है ना, वैसे इनके भी यही है, स्टर्नाइट, स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। और लेटरल वाली साइड पर क्या प्रेजेंट है? प्लूरा प्रेजेंट है। क्या ये प्लेटें अलग अलग हैं? तुम बोलोगे नहीं, अलग अलग नहीं है, ये प्लेटें क्या हैं? जॉइंड हैं। ये प्लेटें बेटा क्या हैं? जॉइंड है, एक फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जॉइंड है, और इस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों रखा? फ्लेक्सिबल क्यों रखा भैया? कॉकरोच खाना खाएगा या बड़ा होगा तो बॉडी को एक्सपैंड करने के लिए जगह चाहिए ना, ऐसे डब्बा थोड़ा बना देंगे, एयरटाइट, एयरटाइट डब्बा नहीं है, फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है जिसका नाम है ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, या फिर इसको आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है। इतना पेज लर्न हो गया? यस, इतना पेज मेरे बच्चों लर्न हो गया, सब बच्चों को, यस, कि एक्सोस्केलेटन काइटिन, काइटिन की प्लेटों को बोला स्क्लेराइड, ऊपर की प्लेट टर्गा, नीचे की प्लेट स्टर्ना, साइडों की प्लेट प्लूरा, चारों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है, चार हो गई ना, डॉर्सल, वेंट्रल, दो लेटरल, चारों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ ऑर्थ्रोडियल और द आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ओके जी, तो कॉकरोच का हमें बाहरी हिस्सा तो पता चल गया। अब यार कॉकरोच की जरा बॉडी देख लो, बॉडी यार तुमको इन जनरल ऑर्थ्रोपोडा की बॉडी के बारे में ही पता है। तीन हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड होती है, पहले वाला हिस्सा आता है हेड, बीच का हिस्सा आता है थॉरेक्स, और सबसे आखिरी हिस्सा क्या आता है? एब्डोमेन हिस्सा आता है, ठीक है, आखिरी हिस्सा क्या आता है? एब्डोमेन हिस्सा आता है। तो सबसे पहला अपन लोग शुरू करते हैं हेड से, शुरू कर ले बेटा जी हेड से। यस, हेड कैसा है? छोटा सा, ये देख लो कहां गया, यस ओके रुको, ये रहा अपना, ये देख लो हेड कैसा है, छोटा सा हिस्सा है। रफली अगर देखा जाए, रफली बिल्कुल तुम्हें ट्राइंगल तो नहीं देखेगा, रफली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हमें ट्राइंगुलर पोर्शन यहां पर देखने को मिलता है। ये हेड 6 एम्ब्रियोनिक, कितनी बच्चों? 6 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से बना हुआ है।
यस बेटा साथ साथ लर्न करते जाना है। देखो सब बच्चे आज अपना पूरा अटेंशन लेके आएंगे और बिल्कुल मेरे साथ साथ एक एक पार्ट करके बढ़ते जाएंगे। हेड देखेंगे, थॉरेक्स देखेंगे, एब्डोमेन देखेंगे, फिर पूरी मॉर्फोलॉजी में देख लेंगे, फिर बेटा इसका डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके इसको डन करेंगे। ठीक है, तो अगर हेड के बारे में मुझे बात करनी है तो कैसा हेड है तुम बोलोगे? ट्राइंगुलर हेड है। क्या है? ट्राइंगुलर हेड है। कैसे अरेंज है? राइट एंगल टू द बॉडी। यस, किस तरीके से अरेंज है? परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के परपेंडिकुलरली अरेंज है। कितनी सेगमेंट से बना हुआ है तुम बोलोगे? 6 एम्ब्रियोनिक, दिया हुआ एनसीईआरटी में, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से बना हुआ है। पहले बेटा हम इसको लर्न भी कराते थे कि 6 सेगमेंट कौन सी है, अब आपको लर्न नहीं करना, बिल्कुल सीमित रहना है कि हेड को बनाने के लिए कितनी एम्ब्रियोनिक सेगमेंट लगती है। तुम बोलोगे 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट हेड को बनाने के अंदर लगती है। अब ये हेड दूसरे हिस्से थॉरेक्स से जुड़ा होगा। ये हेड थॉरेक्स से कैसे जुड़ा होगा? विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर जिसका नाम है नेक। जैसे अपना है यार, तभी तो अपना फ्लेक्सिबल है, मुंह इधर घुमाया ऊपर, वैसे ही कॉकरोच का हेड फ्लेक्सिबल कैसे है? क्योंकि उसका हेड भी थॉरेक्स से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ नेक। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल नेक है, नेक फ्लेक्सिबल है ना, तो यार इधर भी देख लेगा, वो इधर भी देख लेगा। अब इसी हेड से, जैसे हमारे हेड में आईज है, कान है, नाक है, सेंस ऑर्गन है ना, वैसे ही बेटा कॉकरोच के हेड से भी निकलती हैं आंखें। दो तरीके की आंखें होती हैं, सिंपल आईज एंड कंपाउंड आईज। और बेटा सेंस ऑर्गन आता है एंटेना। ठीक है, और बेटा कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स है ना, वो भी किस पोर्शन में है? आपके हेड में प्रेजेंट है। कितने तरीके के माउथ पार्ट्स है अभी दिखाऊंगी, लेब्रम, लेबियम, साथ में बेटा हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, ये सब अभी हम करने वाले हैं। बात कर लेते हैं बेटा आंखों के बारे में। आंखों में स्पेशल टाइप की आंखें यहां मेंशन की हुई हैं जिनका नाम है कंपाउंड आईज। क्या है? कंपाउंड आईज। ठीक है, किडनी शेप्ड आईज होती है। ठीक है, हेड से आपकी जुड़ी होती है। किस टाइप की विजन में हेल्प करती है? मोज़ेक विजन। मोज़ेक का मतलब होता है कि जैसे मैं कॉकरोच के सामने खड़ी हूं, बेटा अब मेरी इमेज कॉकरोच को एक नहीं दिखेगी, बहुत सारे पैचेस में ये इमेज दिखेगी, बहुत सारे पैचेस, क्योंकि ये कंपाउंड आईज बनी होती है 2000 हेक्सागनल यूनिट्स, जिनको हम बोलते हैं ओमिटिडिया। क्या बोलते हैं? ओमिटिडिया। इनके बारे में थोड़ा फर्दर भी हमने डिटेल करना है, तो मैं यहां पर ज्यादा नहीं लिख रही हूं। देन आता है बेटा आपका एंटीना। ठीक है, एंटीना निकलता है मेम्ब्रेनस सॉकेट से। ठीक है, इट अराइज फ्रॉम, मेंशन किया हुआ है मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन का बना हुआ सॉकेट, जिसको एंटीनरी सॉकेट्स कहते हैं। मेम्ब्रेनस सॉकेट से बेटा इनका एंटीना निकलता है। क्या देखता है यार एंटीना? सोचो जरा, एंटीना कैन फील टच, मतलब टच के लिए टेक्टाइल रिसेप्टर्स है इसके पास, और स्मेल। तो एंटीना के पास कौन कौन से रिसेप्टर हैं? तुम बोलोगे एक तो टच वाले रिसेप्टर है। टच वाले रिसेप्टर को अपन लोग नाम देते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं। और बेटा एंटीना ना बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस कर लेता है स्मेल करके, कि यार यहां पर खाना है, यहां पर खाना नहीं है। यानी कि इसके पास ही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी है। बेसिकली नाक है, नाक ऑल्फैक्टरी, बाकी टच रिसेप्टर भी किसमें प्रेजेंट है? आपके एंटीना के अंदर ही प्रेजेंट है। तो तुमसे पूछा जाएगा कॉकरोच का वो हिस्सा बताओ जो बाहरली एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। कॉकरोच का वो हिस्सा बताओ जो बाहरली एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एंटीना। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूं अभी। डिटेक्ट करने वाली लाइन, मैंने अंडरलाइन भी की होगी यार। यस, ये रही। दे हैव अ सेंसरी रिसेप्टर। इन्होंने रिसेप्टर नाम नहीं बताया, मैंने तुम्हें बता दिया टच और स्मेल रिसेप्टर है। दे हैव अ सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग एनवायरमेंट। ऐसे बीच बीच में से उठ के सवाल आएंगे तो तुमको पता होना चाहिए, आंखों से ही डिटेक्ट नहीं करता है। किससे डिटेक्ट करता है? अपने एंटेना से डिटेक्ट करता है। किससे डिटेक्ट करता है बच्चों? एंटेना से डिटेक्ट करता है। चलो यहां पर हो गए एंटीनों की बात। अब हेड के पास सिर्फ आंखें एंटीना तो नहीं लगे हुए, हेड के पास खाना खाने का स्ट्रक्चर भी है। खाना खाने का स्ट्रक्चर मतलब हेड के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? बहुत सारे माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है, एक नहीं बहुत सारे माउथ पार्ट्स हैं। अब इन माउथ पार्ट का फोटो तुम्हें पहचानना भी आना चाहिए। कहां गया? लेट मी शो यू माउथ पार्ट का फोटो। हाँ ये देखो, मैंने लिखा था तुम्हारे सामने कि इसको लर्न करना है। जरा माउथ पार्ट्स देख लीजिए। अपर लिप इसका कौन है? लेब्रम, ऊपर की साइड पे बना हुआ है। लोअर लिप बेटा जी कौन है? लेबियम। याद करो मेरे साथ, अपर लिप लेब्रम, लेबियम, दो मैंडिबल होंगे ग्राइंडिंग के लिए और इंसिजन के लिए, और दो क्या होंगे? मैक्सिले होंगे। तो अब तक कितने हुए? एक तो अपर लिप लेब्रम, लेबियम, तीन चार,
पांच छह। सातवां इसमें क्या प्रेजेंट है? हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स बेटा किसके माफिक काम करता है? टंग के जैसे काम करता है। तो टंग लाइक अगर पूछ लेंगे माउथ ऑर्गन कौन सा है और कॉकरोच का, तुम बोलोगे हाइपोफेरिंग्स। ग्राइंडिंग इंसिजन में किसका रोल है? तुम बोलोगे मैंडिबल। अपर लिप कौन सा है? लिब्रम। लोअर लिप कौन सा है? लेबियम। ठीक है, ये इसके टोटल माउथ ऑर्गन है। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए बेटा जी टोटल? टोटल आपके पास हो गए 7 इसके माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है। अब कॉकरोच का जो माउथ है ना, कॉकरोच का जो माउथ है वो बेटा बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ है। जो पार्ट्स हैं इसके बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, सकिंग वाले नहीं है, ये मक्खी की तरह नहीं है। ठीक है, ये कैसे है? खाना खाएंगे, बाइट करेंगे और फिर उसे च्यू करेंगे। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इसके पास प्रस्तुत है। मैंडिबल आपने देखा ना, ग्राइंडिंग कर रहा है, तोड़ रहा है, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स दे आर प्रेजेंट। ठीक है जी, नाम याद हो गए, कितने हैं टोटल? 7। मैं दोबारा इसको यहां नहीं लिख रही हूं क्योंकि आप इसकी फोटो को रिकॉग्नाइज करना भी सीखेंगे एनसीईआरटी से और इसके नाम भी याद रखेंगे। बस एक टंग जरूर याद कर लेना। टंग बेटा इसमें कौन है? हाइपोफेरिंग्स। अपर लिप कौन सा है? अपर लिप कौन सा है? लेब्रम। लोअर लिप कौन सा है? लेबियम। तो ये बात हो गई इसके हेड वाले हिस्से की, है ना, फर्स्ट पार्ट डन। हेड के बाद अगला हिस्सा कौन सा आता है? बीचला हिस्सा। बीच वाला हिस्सा कौन सा बेटा जी? थॉरिक्स। ठीक है, बीच वाला हिस्सा कौन सा है? थॉरिक्स। अब ये थॉरिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। आगे वाला सेगमेंट, बीच वाला सेगमेंट और पीछे वाला सेगमेंट। कहा गया, ये फोटो दिखा दूं तुम्हें, ये देख लो। इस फोटो को मैं जान के बारी बारी इसीलिए दिखा रही हूं क्योंकि यहीं से सवाल आने हैं। हाँ जी, तो ये जो हेड था, हेड, देन बेटा आपके पास है थॉरिक्स। थॉरिक्स के बाद आता है एब्डोमेन। अब थॉरिक्स में भी 3 सेगमेंट है, ऊपर वाला, बीच वाला, तीसरे वाला। ठीक है, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स, मेटाथॉरिक्स। ठीक है, तो थॉरिक्स में भी बेटा आगे 3 हिस्से हैं। एंटीरियर वाला प्रोथॉरिक्स, बीच वाला, मिडल वाला, यस, क्या बोलोगे? मीजोथॉरिक्स। ठीक है, और लास्ट वाला, लास्ट को बोलोगे पोस्टीरियर वाला, हो जाएगा मेटाथॉरिक्स। ठीक है, अब इन थॉरिक्स के तीनों सेगमेंटों में से निकलती हैं इसकी लातें, लेग्स। ठीक है, मान लो ये अपना हेड है, हेड के बाद बेटा जी ये अपना थॉरिक्स है। थॉरिक्स में आपके 3 सेगमेंट हो गए। ठीक है, सेगमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 हो गए। सेगमेंट नंबर 1 प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स, मेटाथॉरिक्स। अब तीनों सेगमेंट से निकलता है पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, लाते हैं। ठीक है, मतलब एक पेयर प्रोथॉरिक्स से भी निकलेगा, एक पेयर मीजोथॉरिक्स से भी निकलेगा और एक पेयर मेटाथॉरिक्स से भी निकलेगा। कितनी लेग्स हो गई बच्चों, बताओ कितनी लेग्स हो गई? यस, तीनों सेगमेंट से, यस बताइए। बता दो तीनों सेगमेंट से निकलता है पेयर ऑफ लेग्स, कितनी लातें हो गई? पहले बेटा इन लेग्स का पूरा स्ट्रक्चर करते थे, कॉक्सा, ट्रोकांटर, ये सब चीजें, बट अब मैं आपको कहूंगी सिर्फ इतने में ही सीमित रहिए। डिटेल होता तो मैं लिखवा देती कि लेग्स के 5 हिस्से हैं। ठीक है, बट अब नहीं हम लिखेंगे। यस, कितनी लेग्स हो गई? बिल्कुल सही बात है, हमारे पास इन तीनों से आया पेयर ऑफ लेग्स ईच, यानी कि इससे निकली हुई लेग का नाम क्या हो जाएगा? प्रोलेग्स हो गया, प्रोलेग्स। इससे नीचे निकली हुई लातों का क्या नाम हो जाएगा? मीजोलेग्स। लाते ही हैं यार, है ना। इससे निकली हुई लेग्स का क्या नाम हो जाएगा? मेटालेग्स। ठीक है, टोटल मेरे पास कितनी लेग्स हो गई बेटा? टोटल हो गया 3 पेयर। 3 पेयर यानी कि 6 लेग्स अपने पास हो गई। ये जो 6 लेग्स है बिल्कुल जॉइंटेड अपीयरेंस देती है। कैसा अपीयरेंस देती है बेटा जी? जॉइंटेड अपीयरेंस देती है, तभी तो ये ऑर्थ्रोपोड है। ऑर्थ्रोपोडा का नाम ही ऑर्थ्रोपोडा क्यों है? दे ऑर्थ्रो जॉइंटेड पोडा लेग्स। तो इसकी जो लेग्स है ना वो जॉइंटेड अपीयरेंस देती है, कॉक्सा है, ट्रोकांटर है, स्पाइन है, ये सब जॉइंटेड अपीयरेंस देती है। तो यार ये चीज आपके इसके लेग्स में प्रेजेंट है। अब कॉकरोच को सिर्फ हमने चलते हुए तो देखा नहीं है, कॉकरोच को तो मैंने उड़ते हुए भी देखा है। मतलब कॉकरोच के पास लेग्स के अलावा उड़ने का भी यंत्र है। उड़ने का यंत्र क्या है कॉकरोच के पास? विंग्स है। ठीक है, उड़ने का यंत्र क्या है? विंग्स है। अब विंग्स भी कहां से निकलते हैं? थॉरेक्स की ही सेगमेंट से निकलते हैं। अब थॉरेक्स के पास 3 सेगमेंट है, प्रो है, मीजो है और मेटा है। ठीक है, 3 सेगमेंट्स आपके निकलते हैं। अब विंग्स जो है इन तीनों में से एक में से नहीं निकलते, 2 में से निकलते हैं। तो ध्यान दो,
लेग्स तो तीनों में से निकलती है एक 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 एक, एक। लेकिन विंग्स जो हैं वो प्रोथोरिक्स में से नहीं निकलते हैं। विंग्स जो निकलते हैं, वन पेयर निकलेगा मीजोथोरिक्स से, सेकंड पेयर निकलेगा मेटाथोरिक्स से। समझो, विंग्स प्रोथोरिक्स से नहीं निकल रहे हैं। विंग्स कहां से निकल रहे हैं? वन पेयर फ्रॉम मीजोथोरिक्स एंड वन पेयर फ्रॉम मेटाथोरिक्स। तो बात कर लेते बेटा विंग्स की, ठीक है? किसके विंग्स पे सवाल आ जाता है बेटा? सवाल तो यार यहां पे कहीं से भी आ सकता है। विंग्स की बात करते हैं, दो पेयर हैं टोटल। सो फर्स्ट पेयर, यस, कहां से निकालोगे? फर्स्ट पेयर तुम निकालोगे बीच की थोरैसिक सेगमेंट, दैट इज मीजोथोरिक्स, ठीक है? यस, फर्स्ट पेयर अराइज फ्रॉम मीजोथोरिक्स। तो जो पेयर मीजोथोरिक्स से निकलेगा, क्या उसको मीजोथोरासिक विंग बोल सकते हैं? यस बच्चों, क्या उसको मीजोथोरासिक विंग बोल सकते हैं? हां जी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, सेकंड पेयर आपका निकलता है अगली वाली से। अगली वाली कौन है? मेटाथोरिक्स है, ठीक है? मेटाथोरिक्स है। अब मेटाथोरिक्स से निकला हुआ विंग क्या कहलाएगा? मेटाथोरासिक विंग कहलाएगा, ठीक है? अब ये मीजोथोरासिक विंग जो है ना अपना, इनका नाम एक और है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फोर विंग्स। क्या बोला जाता है? फोर विंग्स। मेटाथोरासिक विंग्स को फिर क्या बोलोगे? हाइंड विंग्स, है ना? पीछे वाले हाइंड विंग्स। अब फोर विंग का एक और नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेगमीना। क्या नाम है बेटा इनका? टेगमीना भी इनका नाम है, ठीक है? अब तुम्हें लग रहा होगा भैया कॉकरोच के तो चार विंग्स हो गए, दो मीजो से निकले, दो मेटा से निकले, चारों से ही उड़ता होगा, चारों से ही उड़ता होगा। जबकि बेटा चारों से ये नहीं उड़ता, ठीक है? अच्छा, अभिषेक कह रहे मैम आप भी कॉकरोच ही लग रहे हो, ठीक है? बहुत बढ़िया यार, तुम्हारी आंखें लगता है ओमिटिडिया लगे हुए हैं तुम्हारी आंखों में, है? तुम्हारी आंखों में क्या लगे हुए हैं? ओमिटिडिया लगे हुए हैं। अगर मैं कॉकरोच हूं ना तो तुम्हारी आंखों में ओमिटिडिया, ठीक है? आप देख लेना, क्योंकि तुम्हें दिख ही कॉकरोच रहा है, क्या कह सकते हैं? देखो मैं बच्चों को इतना मगन कर देती हूँ ना पढ़ाई में, इतना ज्यादा मगन कर देती हूँ पढ़ाई में कि यार उनको कुछ और दिखता ही नहीं है। हम कॉकरोच की बात कर रहे हैं, उनको कॉकरोच ही कॉकरोच दिख रहा है। बढ़िया है, ठीक है? बढ़िया है, है ना? यस, बढ़िया है। टेगमीना, टेगमीना एक और नाम है इलाइट्रा। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट इसका एक और नाम है इलाइट्रा, ठीक है? तुम्हारी आंखों में ओमिटिडिया, है ना? अगर मैं कॉकरोच तो तुम भी कॉकरोच, स्पीशी तो मेक ही है ना, स्पीशी तो मेक ही है। यस यार, इतने बच्चे बढ़िया कॉकरोच सीख रहे हैं तो लाइक क्यों नहीं है? फटाफट से सेशन पे लाइक करो, मेरा पानी कांगे। वेयर हैव आई प्लेस्ड माय वाटर बॉटल? आई डोंट नो, गुम गया। चलो कोई बात नहीं, ओके। हाँ जी, फोर विंग्स टेगमीना एलाइट्रा। अब यार तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे चारों के चारों विंग से उड़ता है और बढ़िया उड़ान भरता है पंछियों की तरह, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो अपने पहले वाले फोर विंग है ना, ये तो जगावे वाले हैं, ठीक है? ये क्या है? जकावे वाले हैं। जकावा मतलब इंप्रेशन ही दे रहे हैं, इंप्रेशन मारते हैं, किसी काम के हैं नहीं। ये जो फोर विंग है ये हाइंड विंग से बड़ा है। पहली चीज ये, दैट फोर विंग का जो साइज है वो हाइंड विंग से बड़ा है। दूसरी चीज ये बड़ा होता है, लार्ज होता है, ओपेक होता है, और इसका काम है हाइंड विंग को ढक के रखना एट रेस्ट, जब कॉकरोच चल रहा है या फिर रुका हुआ है एक जगह पर, तो आप उसके ऊपर ना एक ही विंग देखोगे। वो कौन सा विंग है? आपका फोर विंग। फोर विंग ना हाइंड विंग को ढक के रखता है, और एक्चुअल में जो उड़ने के काम आता है वो फोर विंग नहीं है, वो अपना कौन सा है? हाइंड विंग है। तो याद रखिए, ये जो अपने टेगमीना है ये बड़े हैं एक तो, दूसरी चीज बेटा दे आर नॉट 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 यूज फॉर फ्लाइट, उड़ने के काम नहीं आते हैं, उड़ने के काम नहीं आते हैं। ये रादर किसके काम आते हैं? दे एक्चुअली कवर हाइंड विंग्स, हाइंड विंग्स को कवर करने के काम आते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े से है, लार्ज है, लेदरी है और ओपेक है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्या है ये? ओपेक है, डार्क कलर्ड है। जो ऊपर आपको कॉकरोच में दिख रहा है ना, वो आपका फोर विंग ही है। तो यार उड़ने के काम कौन आएगा? उड़ने के काम आएंगे आपके हाइंड विंग्स, फ्लाइंग के लिए ये काम आएंगे। बड़े पतले से होते हैं यार, डेलिकेट थिन मेम्ब्रेनस, डेलिकेट थिन एंड मेम्ब्रेनस विंग आपके कौन से हैं? हाइंड विंग्स अटैच हैं, ठीक है? जब रेस्ट होता है ना तो ये फोल्ड होके ना फोर विंग के नीचे बैठे रहते हैं। रेस्ट मतलब जब उड़ नहीं रहा है कॉकरोच बैठा है, तब बेटा हाइंड विंग ऐसे फोल्ड होके बैठा है। ये ऊपर फोर विंग है, हाइंड विंग है, ये हाइंड विंग है, फोर विंग है, फोल्ड होके बैठा है। लेकिन जब बेटा उड़ान भरने का समय आता है तो यार ये हटेगा और ये अपना फोल्डेड वाला विंग खुलेगा और ये कॉकरोच को बड़ी बड़ी उड़ान भराएगा, ठीक है जी? तो ये बात हो गई अपने विंग्स की। तो विंग्स अपने पास टोटल कितने हो गए? चार हो गए ना।
चार हो गए, दो आपके फोर विंग्स और दो हो गए हाइंड विंग्स। किसके पास विंग नहीं है? प्रोथोरिक्स के पास विंग प्रेजेंट नहीं है। चलो जी, थोरिक्स के बारे में यहां पर बात हो गई। अगली बात अपन लोग करते हैं एब्डोमेन के बारे में। तीसरी सेगमेंट कौन सी है बेटा जी? एब्डोमिनल सेगमेंट है। इस एब्डोमेन के आगे हिस्से हैं कितने? 10। यस, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स दे आर 10 एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, तो थोरिक्स के सेगमेंट कितने थे? 3। इसके कितने हैं आपके? 10। मेल में भी 10 है, फीमेल में भी 10 है, कोई अंतर नहीं है। मेल और फीमेल कॉकरोच यहां तक तो बिल्कुल क्या है आपका, सेम प्रेजेंट है। ठीक है जी, हर एब्डोमिनल सेगमेंट, जैसे एक सेगमेंट मान लीजिए देख लेते हैं यहां पर। यस, एक एब्डोमिनल सेगमेंट जरा देखो यहां पर। वन एब्डोमिनल सेगमेंट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी काइटिनस प्लेट्स, हाउ मेनी स्क्लेराइट्स, जरा आंसर दो। वन एब्डोमिनल सेगमेंट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी काइटिनस प्लेट्स। यस, हाँ, एम्ब्रियो के पास 11 है बेटा। एम्ब्रियो की बातें क्यों कर रहे हैं? मॉड्यूल खोल के मत बैठिए, मॉड्यूल बंद करिए। सब पता है मैडम को ये कौन सा मॉड्यूल खुला हुआ है ना? ये कौन है बच्चा? ईशान शर्मा। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, स्मार्ट नहीं बनना। ओके, यस, एम्ब्रियो में 11, एब्डोमेन में कितने? 10। मॉड्यूल बंद करो फटाफट से, क्योंकि यार सारा मॉड्यूल का आना नहीं है। द थिंग इज दिस, नहीं तो मैं तुम्हें खुलवा के पढ़ा देती यार। यस, वन सेगमेंट इज सराउंडेड बाय डॉर्सल, टर्गाइट, वेंट्रल, स्टर्नाइट, दो आपके प्लूरा, इधर भी प्लूरा, इधर प्लूरा, 4। वेरी गुड, कितने हैं? 4। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अब यार एब्डोमेन के साथ क्या क्या लगा हुआ है? पहचान पत्र एक तरीके से एब्डोमेन में, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, और दोनों में क्या चीज है, क्या अंतर है, वो अपन लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले एब्डोमेन में टोटल मुझे देखिए कितनी सेगमेंट्स? 10 सेगमेंट। अब दोनों में पहली चीज आती है एनल सरकाए, ये मैं आपको दिखाती हूं। ये जो एनल सरकाए है ना, ये पेयर्ड होता है और जॉइंटेड है, दो होते हैं पीछे की साइड पे, बिल्कुल पेयर्ड और जॉइंटेड आउटग्रोथ है। कहां से निकलती है? 10th टर्गा से निकलती है। कहां से निकलती है? 10th टर्गा से निकलती है। क्या डिटेक्ट करती है बेटा? साउंड को डिटेक्ट करती है, साउंड को डिटेक्ट करती हैं, और कुछ वाइब्रेशंस को भी पता लगाती हैं। याद रखना है ये जो एनल सरकाए है, ये जो एनल सरकाए है, ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। ये देख लो यहां पर ये लगा हुआ, ये दिख रहा है बेटा, 10th टर्गा से निकलता हुआ। कैन यू सी? 10th टर्गा से निकलता हुआ ये क्या है आपका? एनल सरकाए। मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, दोनों में होता है। तो अभी तक मुझे कॉकरोच को पता नहीं चला कि ये मेल की फोटो है या फिर फीमेल की फोटो है। अब आता है बेटा अपना अगला हिस्सा, अगली चीज आती है एनल स्टाइल, है ना? एनल स्टाइल। अब स्टाइल कौन मारता है? स्टाइल कौन मारता है यार? स्टाइल अपने मारते हैं लड़के, क्योंकि लड़के होते हैं थोड़े फुकरे। ठीक है, ह्यूमन में भी थोड़े फुकरे हैं, कॉकरोच में भी लड़के कम नहीं है। वो जेल वेल लगा के, है ना, बाल खड़े करना, अपनी बढ़िया सी बेल्ट एलवी एलवी की लगाना, ठीक है, और अपनी शर्ट के ये आस्तीन को फोल्ड करना, तो स्टाइलिश वैसे तो लड़के हैं, बट स्टाइल मारने की कोशिश कौन करते हैं? लड़के। वैसे ही कॉकरोचों में भी है, कॉकरोच में भी मेल कॉकरोच के पास इन एडिशन टू एनल सरकाए, सरकाए तो दोनों के पास है, मेल के पास बेटा यहां पर एक और जॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसका नाम है स्टाइल, है ना? तो मेल गाना गाता रहता है, मेल पता है कौन सा गाना गाता है? मेल गाना गाता है स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, है ना? ये आवाज किसकी है? मेल की। तो मेल कॉकरोच के पास है, ओनली मेल कॉकरोच हैज गॉट एनल स्टाइल। ठीक है, ये क्या है? ये भी आउटग्रोथ है। कैसी आउटग्रोथ है? पेयर्ड है भैया ये भी। ये भी क्या है? पेयर्ड आउटग्रोथ है, लेकिन जॉइंटेड नहीं है। क्या है? अनजॉइंटेड आउटग्रोथ है। किस काम आती है बेटा? ये काम आती है टच के, दे आर सेंसिटिव टू टच, यानी कि टेक्टाइल रिसेप्टर। तो मेल के पास दो तरीके के टेक्टाइल रिसेप्टर हो गए, एंटीना तो लगे ही हुए थे, एंटीना तो मेल में भी थे फीमेल में भी थे, लेकिन मेल जो है ना वो टच का फील पीछे से भी ले लेते हैं, है ना, पीछे से भी ले लेते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एनल स्टाइल। तो सेंसिटिव टू टच है। अच्छा, और क्या है? और है बेटा जी इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स गोनोपोर के, यू कैन से कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं गोनापोफाइसिस, गोनापोफाइसिस। ठीक है, यस,
तो होता क्या है ना, इनका जो जेनाइटल अपर्चर है, ओपनिंग है जहां से स्पर्म निकलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग निकलता है, उसको कवर करते हैं काइटिन की कुछ प्लेट्स, क्लेराइट ही कवर करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनापोफाइसिस। ये गोनापोफाइसिस कवर्ड है बेटा विद द हेल्प ऑफ फैलोमियर्स। ये हम नाम अभी पढ़ेंगे। तो हो क्या रहा है समझो, जैसे मान लो ये मेल की बॉडी है, ठीक है, यहां पे इनका अपर्चर है जहां से स्पर्म के पैकेट्स निकलेंगे। अब इस अपर्चर यानी कि छेद को प्लेटों से ढक दिया है, ये जो प्लेटों ने ढका है छेद को, ये प्लेट्स किसकी बनी है, काइटिन की। इन प्लेट्स को क्या बोलना है, गोनापोफाइसिस और फैलोमियर। समझे, सिंपल भाषा में समझे, कॉकरोच के पीछे कुछ छेद है, जेनाइटल छेद है, जेनाइटल अपर्चर, जिनको मैं प्लेटों से ढक रही हूं। ये जो प्लेट्स मैंने ढकी हैं, दीज आर कॉल्ड एज गोनापोफाइसिस और फैलोमियर्स। ये नाम आपको याद बिल्कुल अच्छे से रखने हैं। अब बात आती है मेल और फीमेल में इसको, इसकी पोजीशनिंग की। यस, ये पोजीशनिंग पे क्वेश्चन आ चुका है, PYQ आ चुका है। जरा ध्यान दो, ये मैंने स्पेशली आपकी NCERT में यहां पर हाईलाइट किया है। फीमेल की बात करें तो उनका 7th स्टर्ना, 8th स्टर्ना और 9th स्टर्ना, स्टर्ना यानी कि वेंट्रल साइड, ठीक है, 7th स्टर्ना, 8th स्टर्ना और 9th स्टर्ना मिलकर क्या बनाते हैं फीमेल का ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच। कैसी शेप है बेटा जी इसकी, तुम बोलोगे इसकी शेप है बोट जैसी, ठीक है, कैसी शेप है, बोट जैसी शेप है। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 mark क्वेश्चन विच कैन कम। फीमेल में जेनाइटल पाउच कौन बनाता है, ब्रूड पाउच कौन बनाता है और उसकी शेप क्या है, तुम बोलोगे बोट शेप है। कौन बनाता है, 7th, 8th, 9th स्टर्ना, स्टर्ना यानी कि वेंट्रल साइड फीमेल के आपका जेनाइटल पाउच बनता है। देन आते हैं मेल में कौन बनाता है, तो मैंने यहां पर हाईलाइट करके लिख दिया है 9th एंड 10th टर्गा, पीछे वाला 9th एंड 10th टर्गा जो कि डॉर्सल साइड पे, और आपका 9th टर्गा, 9th स्टर्नम एंड 10th टर्गा मिलके क्या बनाते हैं, इसका जेनाइटल पाउच बनाते हैं। ये आपको एज इट इज लर्न करना है, अभी के अभी लर्न करो और मुझे कंफर्म करो। फीमेल में 7th 8th 9th ओनली स्टर्ना, मेल में बेटा 9th 10th 9th टर्गा भी और 9th स्टर्ना भी और 10th टर्गा, ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं। इस जेनाइटल पाउच में डॉर्सल वाली साइड पे एनस होगा, वेंट्रल वाली साइड पे मेल जेनाइटल पोर होगा और उसको ढकने वाले गोनापोफाइसिस होंगे। डॉर्सल साइड पे एनस होगा पीछे से और वेंट्रल साइड पे जेनाइटल अपर्चर होगा और जेनाइटल अपर्चर को ढकने के लिए गोनापोफाइसिस होंगे, ठीक है। यस, ये देखो सरकाई में स्पेशली इन्होंने जॉइंटेड लिखा है, स्टाइल में जॉइंटेड नहीं होता है, याद रखना है, है ना, याद रखना है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द एब्डोमेन, हमने मेन इसकी बातें कर ली हैं। इसमें मेल और फीमेल ध्यान रखना, मेल फीमेल, यहां मैं लिख रही हूं एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन मैंने एनसीईआरटी में लिख दिया, मैं दोबारा लिखने में समय नहीं लगाऊंगी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आए, विच स्ट्रक्चर इन कॉकरोच हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट डिटेक्ट करने के लिए कॉकरोच का कौन सा स्ट्रक्चर है, बताओ जरा कॉकरोच का कौन सा स्ट्रक्चर है। यस, सबका आंसर मुझे चाहिए चैट सेक्शन में, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन है भाई सुभाष जैन, मुझे चेक करने दो। वेरी गुड हर्षित, 7, 8, 9 स्टर्ना इन फीमेल, मेल में 9, 10 टर्गा और 9 स्टर्ना। यस, अच्छा ये है, अच्छा, ओके, जैन साहब को थोड़ा सा कर देते हैं साइड पे, क्योंकि देखो मछली ना, मैं आपको बताऊं, एक तालाब है, अब एक इस तालाब में सारी मछलियां अच्छी थोड़ा होती हैं, एक तालाब के अंदर सारी मछली अच्छी थोड़ा होती है, कुछ मछलियां होती हैं यार जिनको सेंस नहीं होती, जगह का पता ही नहीं है, 18 साल के हो गए हैं, ये नहीं पता किस जगह क्या मुंह खोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, कौन आपसे कितना उम्र में बड़ा है, तो कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं बेटा, उनसे हमने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहां पर वो सीन नहीं है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी, नहीं यार, पूरा तालाब सीप मैम के अंदर है, ठीक है, आपकी परवरिश बहुत अच्छी है, आपको टीचर की गाइडेंस बहुत अच्छी है, तो कोई तालाब गंदा नहीं होने देंगे, ठीक है, आपको कंपटीशन ही कम हो रहा है। ओके, कंपटीशन कम हो रहा है और कुछ नहीं है। चलो अब आ जाते हैं अपने सिस्टम्स पे, सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम, पहला सिस्टम है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। देखो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, वैसे तो ये सब कुछ खा लेता है, ओमनिवोरस है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का इसका माउथ है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, कर दे।
यस, तीन हिस्सों में डिवाइडेड है. कौन से तीन हिस्से हैं? ऊपर वाला, पहले वाला, एंटीरियर पोर्शन, फोरगॉट. ठीक है, देन आपका आ जाएगा मिडगॉट. ठीक है, देन आपका आ जाएगा हाइंडगॉट. ठीक है, यस, फोरगॉट, मिडगॉट एंड हाइंडगॉट. ठीक है, अब क्या खास बात है, ये जो फोरगॉट है इसका दूसरा नाम क्या है? स्टमोडियम. ओहो, यस, स्टोमोडियम. मिडगट का नाम है मिजेंट्रॉन. क्या नाम है? मिजेंट्रॉन. बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नाम कई बार आ जाता है. मिडगट का नाम है मिजेंट्रॉन. एम फॉर मिडगट, एम गॉट, एम फॉर मिजेंट्रॉन. इसका नाम है प्रोक्टोडियम. इसका नाम क्या है? प्रोक्टोडियम. स्टोमोडियम, मिजेंट्रॉन एंड प्रोक्टोडियम. अब ये जो फोरगट और हाइंडगट है, ध्यान देना, मैं यहां पर वो बनाऊंगी, लाइंस बनाऊंगी. ये जो फोरगट और हाइंडगट है, दीज फोरगट एंड हाइंडगट, दीज आर लाइंड बाय क्यूटिकल. इनकी लाइनिंग किससे बनी हुई है? क्यूटिकल से बनी हुई है. बट ये जो अपनी मिडगट है, दिस इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल. नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल, ये लाइन लिखी हुई है, इसके बारे में लाइन लिखी हुई है, तो इसके बारे में ऑटोमेटिक है. फोरगट एंड हाइंडगट, पहली वाली और आखिरी वाली क्यूटिकल से लाइंड है, लेकिन जो बीच वाली मिडगट है, जो कि ऐसे थोड़ा सा टर्न भी लेती है, दैट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल. ओके जी, पहली बात आपकी ये आ जाएगी. फिर आता है कि यार फोरगट में, एक मिनट में आगे चलो, मॉर्फोलॉजी होगी, हेड हो गया, थॉरेक्स हो गया, हम अपने क्या कर रहे हैं? एनाटॉमी कर रहे हैं. ठीक है, एनाटॉमी कर रहे हैं. ये देखिए बेटा, फोरगट के कौन कौन से हिस्से हैं आपको लाइन से लिखने आ सकते हैं? फोरगट के जो हिस्से हैं ना, वो आपको लाइन से लिखने आ सकते हैं, ऑर्डर आ सकता है, और ये पेपर में शायद आया भी हो, और बहुत सारे मॉक टेस्ट में यार आप ये देखते भी हैं कि आपको लाइन से लिखने आ सकते हैं. तो सबसे पहले फोरगट में पार्ट नंबर वन कौन सा मिलेगा? माउथ. माउथ के बाद क्या मिलता है? फेरिंग्स. तीसरे नंबर पर क्या मिलता है? इसोफेगस. चौथे नंबर पर क्या मिलता है? क्रॉप. और पांचवें नंबर पर क्या मिलता है आपको? गिजर्ड. लाइन से याद करो, फोरगट आइए, अभी मिडगट तो आई नहीं है. माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, एम पी ओ, क्रॉप एंड गिजर्ड. क्रॉप के नीचे हमेशा गिजर्ड होता है. क्रॉप और गिजर्ड आपने पंछियों में भी देखा था, बर्ड्स में भी होता है, और आपके कॉकरोच में भी होता है. तो यार अगर फोरगट के पार्ट्स के बारे में बात करें, फटाफट से बताओ यार. माउथ से इसने क्या किया? खाना खाया. ठीक है, माउथ के बाद ये खाना किसके पास गया? फेरिंग्स के पास गया. फेरिंग्स के बाद किसके पास गया? इसोफेगस के पास गया. ठीक है, इसोफेगस के बाद द लार्जेस्ट पार्ट आता है. द लार्जेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द क्रॉप. बहुत बड़ा सा है बेटा, इसके अंदर स्टोरेज होती है. क्रॉप के बाद, यस, क्रॉप के बाद किसके पास जाएगा? गिजर्ड. गिजर्ड का एक दूसरा नाम भी है. गिजर्ड का एक दूसरा नाम भी है प्रोवेंट्रिकुलस. प्रोवेंट्रिकुलस. और इस गिजर्ड में क्या होती है? ग्राइंडिंग. अब यार जैसे पंछी होते हैं, ये अपने बर्ड्स हैं, ये दाने, पेबल्स, ये सब खा लेते हैं, ये है ना, दाले वाले मोटे मोटे दाने, ग्रेन्स, ये सब खा लेते हैं. तो इनकी बॉडी के अंदर ना एक मिक्सी लगी हुई है, ऑटोमेटिक मिक्सी है, जो इन हार्ड सब्सटेंसेस को तोड़ती है. वैसे ही मिक्सी कॉकरोच में भी लगी हुई है. कॉकरोच का जो गिजर्ड है ना, इसमें है 6 काइटिनस प्लेट्स. काइटिन की बड़ी, काइटिन बड़ा स्ट्रांग होता है यार. 6 काइटिनस प्लेट्स. ये काइटिन की प्लेट इनके द्वारा खाए गए हार्ड सब्सटेंसेस को तोड़ने में मदद करती हैं, तोड़ने में मदद करती हैं. तो अगर मैं बात करूं गिजर्ड की, तो यार गिजर्ड का आउटर साइड, आउटर पार्ट पे आपको क्या दिखेंगी? थिक सर्कुलर मसल. थिक सर्कुलर मसल, ये मैंने एनसीईआरटी में भी हाईलाइट किया है. और गिजर्ड की इनर साइड पर बेटा आपको क्या दिखेंगी? यस, इनर साइड पे क्या दिखेंगी? 6 काइटिनस प्लेट्स. 6 काइटिनस प्लेट्स. ठीक है, जिनको दांत भी बोला जाता है, दांतों की तरह. ठीक है, ये तोड़ने में, ग्राइंडिंग में हेल्प करती है. तो गिजर्ड का फंक्शन क्या हो जाएगा? गिजर्ड का फंक्शन हो जाएगा ग्राइंड करना. क्रॉप का फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टोरेज करना. ठीक है, और माउथ और फेरिंग्स के आसपास सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, जो अपनी सिक्रीशन इसमें डालते हैं. तो अगर कोई तुमसे पूछे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरगट, तुम बोलोगे क्रॉप. नेम द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प्स इन ग्राइंडिंग, तुम बोलोगे गिजर्ड. जी फॉर ग्राइंडिंग, जी फॉर अपना गिजर्ड. यहां पर अपना फोरगट समाप्त हुआ. जरा तुम देख लो यहां पर फोटो, एनसीईआरटी वाली दिखाऊंगी मैं. यस, यहां देख लो, ये देख लो बेटा जी, ये इनका सबसे पहले
माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, ये बड़ा सा बॉक्स जो बनाया ये आपका क्रॉप हो गया, क्रॉप के बाद ये गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग। अब जरा देखो ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है ना, दिस इज मिड गट। अब फोर गट यहां पे खत्म हुआ, मिड गट यहां पे चालू हो रहा है, इसके बीच में एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट कुछ प्रेजेंट है। जंक्शन ऑफ फोर गट और मिड गट में प्रेजेंट है कुछ ब्लाइंड ट्यूब्स। ब्लाइंड मतलब एक ही साइड से खुली होती है। दीज ब्लाइंड ट्यूब्स दे आर कॉल्ड एज हिपैटिक सीके। क्या बोलोगे इनको? हिपैटिक सीके। कितनी दिख रही हैं? या गिन लो कितनी दिख रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 से 7 ही होती है, 6 से 8 बोल लो, ठीक है। क्या है ये? हिपैटिक सीके। फिर बेटा ये मिड गट खत्म हुई, क्या आई? हाइंड गट। ये हाइंड गट है, ये एस वाली हाइंड गट है। हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे भी दिखती हैं 150 से 200 पतली पतली टिब्यूल्स, थिन फिलामेंटस टिब्यूल्स, इनको बोलते हैं मॉलपिजियन टिब्यूल। कल मुझे एक बच्चे ने टेलीग्राम पे मैसेज किया, मैं बताऊं आपको बच्चे में टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, आई ट्राई टू अटेंड मैक्सिमम कॉल्स, मैं बच्चों से बात करना चाहती हूँ, और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे कॉमन ही पूछते, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पे वॉइस नोट में भी भेज देती हूँ। कल मुझे एक बच्चे ने पता नहीं इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था या टेलीग्राम पे किया अबाउट मॉलपिजियन टिब्यूल, पता नहीं कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन में वो मुझे कह रहा है मॉलपिजियन टिब्यूल तो मैम ह्यूमन में होते हैं, नेफ्रॉन में है ना, ये गलत लिखा हुआ है कॉकरोच में। क्या करें उस बच्चे का बताओ? नेफ्रॉन में जो मोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है वो मॉलपिजियन कॉर्पसल है, ठीक है, रीनल कॉर्पसल है या फिर मॉलपिजियन कॉर्पसल है। ये मॉलपिजियन टिब्यूल है, ये हम में नहीं होती बेटा, ये कॉकरोच में ही होती है। हम में मॉलपिजियन कॉर्पसल होता है जो नेफ्रॉन का मोमेंस और ग्लोमेरुलस को इकट्ठा बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट मिडगट हिपैटिक सीके कितने हैं? 6 से 8 है। कैसी है? ब्लाइंड ट्यूब है। क्या काम करती है? एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। बट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट आपको यहां पर क्या दिखती है? मॉलपिजियन टिब्यूल दिखती है। ये मॉलपिजियन टिब्यूल कितनी है? 150 से 200 है। क्या काम है? एक्सक्रीशन का काम है। पता क्या करती है टिब्यूल? ये बेटा इसकी बॉडी में से हेमोलिम्फ में से सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट अपने पास ले आती है, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है, और ये एक्सक्रीटरी वेस्ट हाइंड गट के रास्ते से होते हुए एनस से बॉडी से बाहर निकलता जाता है। यानी कि इसके पास ऐसा कोई यू नो यूरेथ्रा टाइप नहीं है कि वहां से यूरिन निकालेंगे, नहीं, ये सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी का अपने पास ले लेंगी, यूरिक एसिड बना देंगी और इसको इसी एक रास्ते के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देंगी। एनस से ही एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बाहर निकलेगा। तो याद हो गया बच्चों? हाँ जी याद हो गया। तो अगर कोई तुमसे पूछे एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, यस बेटा क्या बोलोगे? कौन प्रेजेंट है? तुम बोलोगे हिपैटिक सीका प्रेजेंट है। हिपैटिक सीके प्रेजेंट है। कितने होते हैं बेटा? 6 to 8 बने हुए हैं। 6 to 8 होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लाइंड फिंगर लाइक, ब्लाइंड एंडेड है, ठीक है, ब्लाइंड होते हैं, पतले पतले होते हैं, फिंगर लाइक होते हैं। क्या काम है इनका? इनका काम है डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करना, ठीक है। देन आता है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। हाँ जी क्या प्रेजेंट है? पतली, और ज्यादा पतली। अपने पास क्या प्रेजेंट है? मॉलपिजियन टिब्यूल। कितना नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा? नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 150 से लेकर 200 होती हैं। क्या काम है बेटा इनका? काम आता है एक्सक्रीशन में काम आता है। हेमोलिम्फ से सारा वेस्ट को ले लेना और बेटा उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना और फिर एनस के द्वारा बॉडी से बाहर फेंकवा देना, ठीक है। देन अपना आपका आखिरी हिस्सा आता है जिसका नाम है हाइंड गट। ये जो कॉकरोच की हाइंड गट है ना, इसके आगे 3 हिस्से हैं, इसको याद करना ऑर्डर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज ICR, आई फॉर ईलियम, यस, आई फॉर बेटा क्या है? ईलियम। सी फॉर कोलोन, R for rectum, ileum, colon, rectum, and rectum will end into the last aperture जिसका नाम है anus। तो anus से digestive waste भी निकल गया और excretory waste भी निकल गया। ICR, सब बच्चे याद करें ICR। ileum, colon, rectum। तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन यहाँ से हिपैटिक सीके और मॉलपिजियन टिब्यूल में से आ सकता है। कहाँ कहाँ कौन प्रेजेंट है और कितना नंबर है, नंबर में बड़ा कंफ्यूज करते हैं।
तो आपके माइंड में एनसीईआरटी का ये फोटो होना चाहिए जिसमें आपको दिख रहा हो कि हिपैटिक सीके कितने कम से हैं, 8 ही हैं, और मालपिजन ट्यूब्यूल 150 से 200 है, ठीक है जी। यस, तो यहां पर आपका समाप्त हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब अगला सिस्टम आता है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब वैसे तो यार अगर तुम 11th क्लास के होते, किसके होते, अगर तुम 11th क्लास के होते तो मैं तुम्हें बताती यार ये कॉकरोच की बॉडी है, ठीक है। बीच में प्लेट्स होती हैं, डॉर्सल प्लेट होती है पोरस, ये वेंट्रल प्लेट होती है। फिर बेटा कॉकरोच में ये खाली जगह होती है जिसको साइनसेस बोलते हैं, पेरिकार्डियल साइनस, जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होगा, पेरिविसरल साइनस, ठीक है, पेरिविसरल साइनस जिसमें आपके यू नो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, पेरिन्यूरल साइनस। तो ये बात मैं तुम्हें बताती, डॉर्सल प्लेट है, वेंट्रल प्लेट है, लेकिन लेकिन बेटा तुम 11वीं के नहीं हो और एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दी हुई, तो हम बेटा सीमित रहते हैं कि यार इसमें जो पेरिकार्डियल साइनस है ना, इसमें क्या प्रस्तुत है? कॉकरोच का हार्ट प्रस्तुत है। क्या है? हार्ट प्रस्तुत है। नाउ द हार्ट ऑफ द कॉकरोच, बात कर रहे हैं बेटा दिल की। द दिल ऑफ द कॉकरोच इज बेसिकली प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा जो कॉकरोच का है ना, वो कैसा है? ओपन टाइप, हमें पता ही है यार। एनिमल किंगडम में पढ़ के आए, एनिलिडा इज द फर्स्ट फाइलम टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिलिडा के बाद जो ऑर्थ्रोपोडा है उसमें होना तो चाहिए था क्लोज, लेकिन ऑर्थ्रोपोडा और मॉलस्का दोनों में क्या है? ओपन। ओपन का मतलब है कि वेसल्स तो हैं, पुअरली डेवलप्ड है, जो सारा ब्लड है ना वो साइनस में आके खुल जाता है, ब्लड जो है वो साइनसिस में आके खुल जाता है, यानी कि इसके पास है इंटरनल स्पेस। क्या है इसके पास? इंटरनल स्पेस, यानी कि इस इंटरनल स्पेस में ब्लड घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है, ब्लड इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑर्गन्स। मान रहे हो कि ऑर्गन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, तुम्हें याद होगा वहां हम लाइन लिखते थे, ऑर्गन्स आर बेथ्ड इन ब्लड, यानी कि ऑर्गन्स के आसपास ब्लड ऑर्गन को छू रहा है। क्लोज्ड में ऐसा नहीं होता, क्लोज्ड में ब्लड ऑर्गन को छूता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर इस सलाब में, ब्लड के सलाब में आपके ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बेदिंग इन ब्लड, ठीक है जी। यस, अब इस सिस्टम में तुमको क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा यार ब्लड मिलेगा, ठीक है। ब्लड कहां पर प्रस्तुत है? हेमोसील में प्रस्तुत है, हेमोसील मिलेगी। एक बेटा इसमें मिलेगा इसका दिल, और इसमें मिलेगा एंटीरियर आयोटा। ये चार हिस्से होते हैं, एंटीरियर आयोटा, ठीक है, एंटीरियर आयोटा। अब यार अगर इसके ब्लड की बात करें, ब्लड में क्या क्या है? ब्लड में बेटा एक तो प्लाज्मा है, लेकिन इसका प्लाज्मा क्या है? कलरलेस है। क्या है बेटा जी? कलरलेस है, ठीक है। प्लाज्मा के साथ कुछ सेल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हेमोसाइट्स, मेंशन है बेटा एनसीईआरटी में। साइट का क्या मतलब है? सेल। साइट का क्या मतलब है बेटा? सेल। यस, क्या है हेमोसाइट्स? फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जो भी कोई वेस्ट वूस्ट आएगा उसको ये एनगल्फ करके रिमूव कर देंगे। ओके, तो ब्लड ऑफ द कॉकरोच, ब्लड को हेमोलिम्फ भी बोल सकते हैं यार, ब्लड को अपने हेमोलिम्फ भी बोल सकते हैं, हेमोलिम्फ, हेमोसील में फैलने वाला हेमोलिम्फ। ब्लड के अंदर प्लाज्मा है जो कि कलरलेस है, और उसके साथ कुछ फैगोसाइटिक सेल्स है जिनका नाम है हेमोसाइट्स, ठीक है जी। यस, क्या इसके अंदर कोई हीमोग्लोबिन जैसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? तुम बोलोगे नहीं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या था? जो यू नो ऑक्सीजन CO2 को कैरी करता था। इसमें ब्लड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है रेस्पिरेशन में। हमारे में तो है ना, हमारे में तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन वगैरह लेकर जा रहा है, लेकिन यहां पर इसके ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी करने के लिए, रेस्पिरेटरी गैसेस को मूव कराने के लिए कोई भी पिगमेंट नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ब्लड का कोई रोल है रेस्पिरेशन में कॉकरोच में? तुम बोलोगे नहीं, हमारे में है, हाँ है, ठीक है, हाँ है। नेक्स्ट आता है हेमोसील। हेमोसील बेटा कैविटी है जिसके अंदर ब्लड भरा रहता है। देन आता है बेटा जी आपका हार्ट। हार्ट बेटा वैसे तो इनका न्यूरोजेनिक सिस्टम है, न्यूरोजेनिक हार्ट है, बट ये मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। सेंटर में ऐसे लाइन में प्रेजेंट है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें बेटा चेंबर्स प्रेजेंट है। लेट मी शो यू द हार्ट ऑफ कॉकरोच। ये देखिए, ये बेटा ऐसा लंबा सा हार्ट है, मसल से बनी है, लाइन ये ट्यूब है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन,
हेड वाले हिस्से में तो नहीं है, थॉरेक्स और एब्डोमेन वाले हिस्से में प्रेजेंट है। इस हार्ट में तुम देख रहे हो ये चेंबर है, ये फनल की तरह चेंबर है। कितने चेंबर हैं यहां पर बेटा आपके हार्ट में? टोटल कितने चेंबर है? 13 चेंबर्स है। यस, कितने चेंबर्स है बेटा? टोटल 13 चेंबर्स प्रेजेंट है। यस, और ये जो हार्ट है इसका, ये मायोजेनिक हार्ट नहीं है, क्या है इसका? न्यूरोजेनिक हार्ट है। तो मैं यहां लिख देती हूं कैसा है इसका हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट है। देखो हमारा हार्ट तो मायोजेनिक है, कार्डियक मसल चलाती है, लेकिन इसका हार्ट कैसा है? न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं इसकी पंपिंग, दैट मींस इट इज अ न्यूरोजेनिक हार्ट। सबसे ऊपर वाला ये जो चेंबर देख रहे हो ये क्या कहला रहा है? आयोटा कहला रहा है। अब तुम देखो होता क्या है, ये कॉकरोच का पीछे वाला हिस्सा है पोस्टीरियर, ये वाला कॉकरोच का इंटीरियर वाला हिस्सा है। यस और नो बताते जाना, मुझे क्या बताना है तुमको? यस और नो बताना है, ठीक है? ये पोस्टीरियर वाला हिस्सा है, ये इसका एंटीरियर वाला हिस्सा है। मान लो ये कॉकरोच का हार्ट का यू नो एक चेंबर है। अब इस चेंबर के अंदर बना देती हूं मैं, ये देखिए ये दूसरा चेंबर है, दो चेंबर के बीच में वॉल्व होगा। अब यहां पर पता है क्या प्रेजेंट है यार? यहां पर बेटा छोटी सी ओपनिंग्स है, ये देखो छोटी छोटी ओपनिंग्स है, ये देखिए हर चेंबर में ऐसे ना छोटी छोटी ओपनिंग्स है, ये देखो यहां भी है और यहां भी है। इन ओपनिंग्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। इन ऑस्टिया की मदद से ब्लड जो है वो एंट्री मारता है इन चेंबर्स में। देन बेटा ब्लड जो है ना वो ऊपर की दिशा में मूव करता है। किस दिशा में? ऊपर की दिशा में मूव करता है। जैसे जैसे पंप करेगा ऊपर की दिशा में मूव करेगा, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इज नॉट फ्रॉम हेड टू टेल, नॉट फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। कॉकरोच में ब्लड उल्टा फ्लो करता है, ये देखो पोस्टीरियर से चलेगा और फिर एंटीरियर के पास जाएगा, एंटीरियर वाला उसे साइनस में, हेड साइनस में डाल देगा, ठीक है? तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर फ्लो है। चेंबरों में एंट्री कैसे होती है? ये साइडों से होती है। इन साइड की ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन लोग? ऑस्टिया बोलते हैं। और ऑस्टिया कहां देखा था? ये तो नाम तो नया नहीं है तुम्हारे लिए। यस, पेयर्ड अपर्चर है। कहां देखा था तुमने ऑस्टिया? कहां देखा था बताओ? स्पॉन्जेस में। यस, स्पॉन्ज जब हमने ऐसे देखी थी तो इसमें भी तो छेद थे, ऑस्टिया एक बड़ा छेद था ऑस्कुलम, है ना? तो यहां पर भी तो ऐसे फनल शेप है, साइडों पे क्या लगे हुए हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया से ब्लड एंट्री मारा और इस तरीके से पोस्टीरियर टू एंटीरियर आपका ब्लड फ्लो करता है। अब इस फ्लो में, अपन को लगती है कुछ फैन शेप्ड मसल्स। इन फैन शेप्ड मसल्स को हम लोग बोलते हैं एलरी मसल्स। कैसी मसल है? पेयर्ड है, पंखे की तरह, ठीक है? फैन शेप्ड है, पेयर्ड है और पंखे की तरह। कितनी दिख रही है? कितनी दिख रही है? यस, ब्लड फ्लोज एंटीरियरली, ऑस्टिया प्रेजेंट लेटरली। देखो इन नामों पे जाना, जो ब्लड है वो बेटा एंटीरियरली फ्लो करता है, और अगर कोई तुमसे पूछे ऑस्टिया, ऑस्टिया बेटा उनके साइडों पे प्रेजेंट है चेंबर के, तो लेटरली प्रेजेंट है। लेटरली मतलब साइड्स, ठीक है? लेटरल मतलब साइड्स। यस, फैन शेप्ड पेयर्ड मसल्स। सोच के बताओ और गिन के बता सकते हो, गिन के भी बता सकते हो। तो यार पता चल गया कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम पता चल गया। हाँ जी, गलत। हाँ, 12 पेयर है। कितने हैं? 12 पेयर। 12 क्यों है? क्योंकि यार 13 चेंबर के ना बीच में, दो चेंबर के बीच में, एक तरीके से दो चेंबर के बीच में, दो चेंबर के बीच में, तो चेंबर अगर 13 है तो ये कितने हो जाएंगे? 12 पेयर हो जाएंगे, और 12 पेयर ही यहां पर बनाए हैं, 13 नहीं है, 13 तो चेंबर है। ओके, क्योंकि दो चेंबर के बीच में ये फैन शेप पेयर्ड मसल्स लगे हुए हैं जिनका नाम है एलरी मसल्स। सबसे पहले वाले चेंबर का क्या नाम है? एंटीरियर आयोटा। ये फैन शेप मसल्स का नाम है एलरी मसल्स, एलरी मसल्स। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं, नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सिस्टम पे जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन में ब्लड ने तो कोई मदद नहीं करी क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं था। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? इसके पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं। अब हवा यार कॉकरोच की बॉडी के अंदर, कोई नाक वाक तो है नहीं इसके पास, है ना? हमारी तरह नाकों की यहां से हवा जा रही है, नहीं। कॉकरोच की बॉडी, अगर मान लो ये कॉकरोच है तो इसकी लैटरल साइड पे छेद प्रेजेंट है। इन छेदों को बोलते हैं स्पाइरिकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स। मान लो एक पेयर यहां स्पाइरिकल का, फिर एक पेयर यहां, फिर एक पेयर यहां। इन छेदों से एंट्री होती है हवा की, ठीक है? ऑक्सीजन की, एयर की एंट्री होती है। ये स्पाइरिकल आगे जाएंगे ट्राकिया में, ट्राकिया आगे डिवाइड हो जाएगी ट्राकियोल में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो इसके पास लैटरली प्रेजेंट है पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। मान लो स्पाइरिकल है, छेद है, इस पे स्फिंक्टर्स लगे होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी देखते हैं, ठीक है?
और यहां से निकली है लंबी सी ट्यूब, इसका नाम है ट्रैकिया। ये है ट्रैकिया, ये बेटा है अपना स्पाइरिकल, स्पाइरिकल मतलब छेद, एंड देन ट्रैकिया इज फर्दर गोइंग टू डिवाइड इनटू वेरी फाइन ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एज ट्रैकियोल्स, जो आपके टिश्यूज के बीच में जा रही हैं, मतलब कॉकरोच के टिश्यूज के बीच में जा रही हैं, राइट। तो ये आपकी हो गई ट्रैकियोल। अब ट्रैकियोल के इर्द गिर्द यहां पर टिश्यू प्रेजेंट होंगे, सेल्स मतलब कॉकरोच के सेल्स यहां पर है, तो मतलब जो भी गैस है उसको ट्रैकियोल से होते हुए फ्लूइड में जाना है एंड वहां से सेल्स में पहुंच जाना है। तो लेबल कर लेते हैं, स्पाइरिकल, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स। इस पूरे सिस्टम को बेटा जी हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम, बोल सकते हैं। तो रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स एंड कॉकरोच इज डन बाय ट्रैकियल सिस्टम, राइट बच्चों, इज डन बाय ट्रैकियल सिस्टम। ओके, अब ये जो स्पाइरिकल है कितने है? सवाल आएगा, स्पाइरिकल तो है लेकिन कितने हैं? तुम बोलोगे स्पाइरिकल जो है ना 10 पेयर है। यार इस समय तुम कॉल करोगे वो भी कोटा से, कैसे उठाऊंगी बताओ, मैं कैसे उठाऊंगी? तो स्पाइरिकल कितने है मेरे पास? 10 पेयर है, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल है, ठीक है। जिसमें से 3 पेयर कहां है? एब्डोमेन, थॉरेक्स में है। 3 पेयर ये दिख रहे हैं कलर, ये है बेटा जी थॉरेक्स में। बचे कितने आपके? 7 पेयर, ये किसमें है? एब्डोमेन में। इसमें जो फर्स्ट और थर्ड पेयर है ना, थॉरेक्स का फर्स्ट और थर्ड पेयर, वो हमेशा खुले रहते हैं। बाकी तो जब खुलेंगे तब हवा आएगी, जब जरूरत नहीं है तब हवा नहीं आएगी, उसको हम बंद रखेंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स दे आर ऑलवेज ओपन। चलिए, स्पाइरिकल्स की जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग है, यहां पर प्रेजेंट है बेटा स्फिंक्टर्स, रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी रेगुलेटेड है। इसको खोल बंद कर सकते हैं किसकी मदद से? स्फिंक्टर्स की मदद। स्फिंक्टर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे। ओके जी, तो कितने? 10 पेयर, 3 पेयर थॉरेक्स, बाकी के 7 पेयर आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट हैं। अब स्पाइरिकल के बाद जो हवा गई वो गई इस लंबी सी ट्यूब में, जिसका नाम है ट्राकिया। इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय सिंसिशियल एपिथीलियम। इसके बाहर ना मल्टी न्यूक्लिएटेड ऐसे एपिथीलियम होता है जिसका नाम होता है सिंसिशियल, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, सराउंडेड बाय सिंसिशियल एपिथीलियम। यहां से हवा ट्राकिया में गई, ट्राकिया से हवा किस में जाएगी? ट्राकियोल्स के अंदर जाएगी, ठीक है। ट्राकियोल्स जो है टिश्यू में टर्मिनेट होते हैं, देख रहे हो, टिश्यू में टर्मिनेट होते हैं, और यहां से बेटा गैसेस डिफ्यूज होंगी। तुमसे पूछा जाएगा ये जो गैसेस यहां पर गई हैं किस मेथड के द्वारा गई हैं? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट है? तुम बोलोगे ये जो गैस गई है ना ये सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से गई है। यस, नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन है। क्या है? नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन है ट्रैकियोल टू टिश्यू। याद हो गया बेटा, याद हो गया। रेस्पिरेशन आपका ट्रैकियल सिस्टम, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल, हवा गई स्पाइरिकल से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से गई ट्रैकियोल में, डिफ्यूज हो गए, पहुंच गई आपके टिश्यूज में। तो ये बात हो गई यार इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कर लिया। हाँ यही है, हाँ ये देखो मैंने यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है, डिफ्यूजन पे मैंने गोला लगाया है और लिखा है इंपॉर्टेंट, डैश करके सवाल आ सकता है। चलो जी अगले पे चलते हैं, रेस्पिरेटरी डन। हां जी बेटा एक बार बता दो, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या ये चारों चीजें मेरे बच्चों हो गई हैं? आर यू विद मी टिल नाउ? क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? फटाफट से मुझे पोल में बता दो। देखो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक भी चीज ना छुड़वाऊं, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप मेरी क्लास में आओ, चाहे आप पहली बारी आए हो चाहे आप 100वीं बारी आए हो, अगर आप मेरी क्लास में आए हो तो आप क्लास में लर्न करके जाओगे। मेरी क्लास की बस ये खासियत है, मेरी क्लास की ये खासियत है कि बच्चा वीक से वीक हो मैं उसे बायो समझाकर उसके माइंड में फिट करा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे उसके लिए आपका सपोर्ट भी चाहिए होता है, मतलब आप मुझसे बात करते रहो करो, व्हेन आई एम आस्किंग समथिंग डू टेल मी दिस थिंग। अल ये तो वही हो गया यार, लोड होने लग गया, एक मिनट में रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है। लर्न हो गया यहाँ तक? लर्न हो गया कि नहीं? कम ऑन बता दो, लर्न हुआ या नहीं हुआ? यस, अब मुझे बताइए पोल में, पता नहीं पोल क्यों नहीं काम कर रहा है यार, साइन इन टू द चैट, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकिए बेटा, लेट मी जस्ट ओपन।
यूट्यूब भी बंद हो गया मेरा, एक मिनट रुको गूगल खोलने दो। जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट साइन इन। अब खुलेगा। ओके लेट मी जस्ट ओपन इट वंस अगेन। हाँ अब आएगा। अच्छा जरा पोल में बताओ, मैं क्या पूछ रही थी मैं खुद ही भूल गई। हाँ जी, चार चीजें हो चुकी हैं, तीन एक्सक्रीटरी, नर्वस और आपका रिप्रोडक्टिव रह गया, फिर खत्म है चैप्टर। यस लर्न हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। चार चीजें याद करनी है एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने। हाँ जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। कल पता है कौन सा चैप्टर है बेटा? कल हमने करना है माइक्रोब्स वाला चैप्टर, और आज शाम को 5 बजे बेटा हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है। 5 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास में एंट्री ले लो, और हर संडे आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो हर संडे आप अपने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए भी एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का, और शाम की क्लास का लिंक बेटा मैंने पिन कर दिया है। ये सारे नोट्स, हाईलाइटेड एनसीईआरटी तो मैं भेज चुकी हूं, और बेटा ये अपने क्या कहते हैं सुपर नोट्स, ये सारी चीजें मैंने आपको भिजवा दी, भेज दूंगी मैं टेलीग्राम पे। एनसीईआरटी पहुंच चुकी है, बाकी हैंड रिटन और ये भी पहुंच जाएगी आपको टेलीग्राम पे। मेरे नाम से यार सीख पाऊजा बायोलॉजी सर्च कर लेना, मिल जाऊंगी मैं। ओके चलो आ जाओ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या करना है, कॉकरोच को अपना नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करना है। तो सबसे पहले तो कॉकरोच का नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या, तुम बोलोगे इसका मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिक एसिड। तो कॉकरोचेस कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक। पहला क्वेश्चन, इस एक्सक्रीशन को करने के लिए टोटल 4 तरीके के स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं। सबसे मेजर जो स्ट्रक्चर आता है इसमें, दैट इज गोइंग टू बी अगेन मॉल पिजन ट्यूब्यूल्स, ये हमने किया था, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में घुसा हुआ है, ठीक है। याद है ना मॉल पिजन ट्यूब्यूल किसके जंक्शन पे है, तुम बोलोगे ये जो मॉल पिजन ट्यूब्यूल है दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट मिडगट या मिडगट हाइंडगट, तुम बोलोगे दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। कितना नंबर बताया था, अगेन लिखो, 150 से 200। ये कैसे ट्यूब्स हैं, लॉन्ग है, कोई ब्रांचिंग दिख रही है, कोई ब्रांचिंग नहीं, और सिलिएटेड ट्यूब्स हैं। सो ये है लॉन्ग, लंबी लंबी होंगी, अनब्रांच्ड होंगी, ठीक है, अनब्रांच्ड होंगी, लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथीलियम होगा, ग्लैंडुलर, ये सब लाइनें लिखी हुई है बेटा, वर्ड्स हैं एनसीईआरटी में, लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और कैसे सेल्स हैं, सीलिएटेड सेल्स हैं। तो ग्लैंडुलर सीलिएटेड सेल्स 150 से 200 आपकी ये मॉल्पिजन ट्यूब्यूल होंगी। क्या करेंगी, हेमोलिम्फ से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकालेंगी, उसको कन्वर्ट करेंगी किसमें, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगी। तो वेस्ट लिया इन्होंने, वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया यूरिक एसिड में, ठीक है, और यूरिक एसिड को बाहर फेंक दिया किसके द्वारा, एनस के द्वारा। तो ये अपना सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अलावा और भी सामान है इसके पास एक्सक्रीशन के लिए। दूसरा है बेटा जी फैट बॉडीज, ठीक है, ये बॉडी की लाइनिंग से नीचे तो कुछ फैट सेल्स है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं स्पेशल सेल्स जिनका नाम है नेफ्रोसाइट्स। क्या है बेटा इनका नाम, नेफ्रोसाइट्स। देन मेल्स में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन प्रेजेंट है फॉर दिस पर्पस जिसका नाम है यूरिकोस ग्लैंड्स, ठीक है, यस यूरिकोस ग्लैंड्स। ओके ये सिर्फ आपको किसमें मिलेगा, ओनली मेल्स में, ओनली मेल्स में, बाकी ये चारों चीजें आपको, ये तीनों चीजें आपको फीमेल्स में मिल जाती हैं। मेजर वन इज मॉल्पिजन ट्यूब्यूल, हो गया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में 4 मेजर मॉल्पिजन ट्यूब्यूल, फैट सेल्स, फैट बॉडीज आपकी, और नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड। लर्न करो, 100 से 150 कर लो यार, ओहो 100 से 150 कर लो यार, तुम ना एक नंबर के पीछे मार डालोगे मुझे। 100 से 150, उधर भी 100 से 150 लिखा था कि 150 से 200 लिख दिया था, ओहो यहां भी कर लो। परम पिता परमेश्वर हमारी एनसीईआरटी, ठीक है, उसको हम नहीं झुटला सकते, 100 से 150। अब ठीक है, अब और कहीं तो नहीं लिखा, हाँ बिल्कुल सही है। शांति बड़ी, शांति आई, शांति कि नहीं आई, हाँ जी
ब्रेक में मिलेगा कॉकरोच की, कॉकरोच जैसे चैप्टर में तुम्हें ब्रेक मांगते हो ना, शर्म आ जानी चाहिए बेटा, अभी के अभी शर्मा जाओ, जिन्होंने ब्रेक मांगी है अभी के अभी शर्मा जाए, वो सब बच्चे शर्मा जाए, क्योंकि शर्म आ जानी चाहिए। कॉकरोच जैसे पोर्शन में, जो कि एक चैप्टर का एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई भी नहीं, हाँ वन फोर्थ हिस्सा मैं बोलूंगी, एक तिहाई हिस्सा है बेटा एक चैप्टर का, उसमें कह रहे हैं ब्रेक, शर्म आ जाओ। कल माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, इसी एफिशिएंसी से करेंगे जिस एफिशिएंसी से अपन लोग आज कर रहे हैं, मस्त मजा आएगा तुम्हें माइक्रोब्स को लर्न करने में, क्योंकि आज का, कल का और परसों का चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, सिर्फ आपको स्कोर करना है, देख के लर्न करके जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आज वाले में से भी, कल वाले में से भी और बेटा परसों वाले में से भी। तो सबसे स्कोरिंग चैप्टर हम कर रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट हमने कर लिए। जो बच्चे मेरे साथ थोड़ा लेट जुड़े, मैं बता दूं हमारी बायोलॉजी एंड गेम में, किस में एंड गेम, जो अपनी सीरीज चल रही है यार, एंड गेम बेटा जी, जो अपनी सीरीज चल रही है, इसमें हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन के दोनों चैप्टर्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डन, और जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर डन, डन हो चुके हैं बेटा जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर। आज तो मेरे ख्याल से कल टारगेट में भी दिया था मैंने एक चैप्टर, डेली टारगेट मेरे टेलीग्राम पे आते हैं, ठीक है वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं। और हमने क्या कर लिया, सेल बायो के दोनों चैप्टर डन, दोनों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिविजन, और स्कोरिंग चैप्टर में आपका कॉकरोच, कॉकरोच के बाद माइक्रोब और स्ट्रेटजीज, ये भी हो जाएगा डन, ठीक है। फिर अपनी प्लांट फिजियो 2 days, एनिमल फिजियो 2 days, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी निश्चय में डिटेल में कराई है, तो वो 2 days में हम लोग मैराथन की फॉर्म में उसे डन कर देंगे। बचेगा क्या, बायोमोलिक्यूल, उसको अपने लोग डिटेल में करेंगे, यस करेंगे। मेरे लिंक ट्री पे तो बेटा सब कुछ है, मेरे लिंक ट्री पे जाओगे तो सब मिलेगा, सी पाउजा लिंक ट्री डालना, एक एक चीज कराई हुई है, वन शॉट में देखना, वन शॉट में देखो, टू शॉट में देखना, टू में 10 shots में देखना, 10 shots लो लो। Yes. तो नर्वस सिस्टम कॉकरोच का क्या है, नर्वस सिस्टम कॉकरोच का ना सेगमेंटली अरेंज्ड है, पहली चीज याद करो, सेगमेंट वाइज है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे, सेगमेंटली अरेंज है कॉकरोच में, सेगमेंट है ना, 3 thorax में, 10 abdomen में, तो सेगमेंटली अरेंज है, फ्यूज्ड है, और ये जो फ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है इनकी ज्वाइनिंग भी है, ज्वाइंट बाय पेयर्ड कनेक्टिव्स, और ये जो ज्वाइनिंग है ना, ये पता है किस साइड पे है, नीचे की साइड पे, ऑन वेंट्रल साइड। जो जो लिखती जा रही हूं वो तुमको लर्न करना है, जो जो लिखती जा रही हूं वो लर्न करना है। जो कॉकरोच का ब्रेन है, ब्रेन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, ये क्वेश्चन आ चुका है, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, यस ब्रेन बेटा इट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ओके जी, इसोफेगस के ऊपर, तभी इसको बोला है सुप्रा इसोफेजियल, यस। इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इसके नीचे होगा सब इसोफेजियल गैंग्लिया, इसके नीचे क्या होगा, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, है ना, होगा कि नहीं होगा। अब इस सब इसोफेजियल गैंग्लिया से क्या चलती है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सब इसोफेजियल, जैसे मान लो ये सुप्रा है, ये सब है, सबसे क्या निकली, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यहां से निकली डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, अगेन मिड वेंट्रल लाइन ऑफ थॉरिक्स, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इसमें टोटल कितने गैंग्लिया प्रस्तुत हैं, इसमें बेटा टोटल है 9 गैंग्लिया, इन नौ में से 3 जो हैं वो थॉरिक्स में है, याद रखना है, ये दिया हुआ है, 3 जो है वो थॉरिक्स में है, और बेटा बचे हुए 6 किसमें है, एब्डोमेन में है, बचे हुए 6 किसमें है, एब्डोमेन में है। ये जो ब्रेन मैंने बताया ना कि सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है, यहां से नर्व्स कहां कहां जा रही है, एक तो यार जा रही है एंटीना के पास, ब्रेन से जा रही है एंटीना के पास, और दूसरी जा रही है कंपाउंड आइज के पास, बस यही याद रखना है, यही याद रखना है नर्वस सिस्टम में, सेगमेंटली अरेंज्ड, फ्यूज है, वेंट्रली जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। ब्रेन के लिए जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है सुप्रा इसोफेजियल, इसोफेगस के ऊपर, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, गैंग्लिया मतलब कलेक्शन ऑफ द नर्व सेल, देन नीचे सब इसोफेजियल, सब इसोफेजियल से निचले नीचे क्या निकल रहे हैं, डॉर्सल वाली वेंट्रल वाली साइड पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यहां से निकले गैंग्लिया, कितने है टोटल, 9, 3 thorax, 6 abdomen, यस यस 3 thorax, 6 abdomen, याद हुआ मेरे बच्चों, बस यही है नर्वस सिस्टम, यस। अब यार तुम जानते हो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है, हमारे जैसा तो नहीं है कि हमारा तो ब्रेन पूरा हेड में है,
मतलब मेजर नर्वस सिस्टम का पार्ट ही हमारा हेड में है, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं है। कॉकरोच में जो नर्वस सिस्टम है वो हेड में बहुत थोड़ा है, बाकी के नीचे के निचले हिस्से में ज्यादा है, सेगमेंटली अरेंज है ना हर हिस्से में। हेड में कम है, थॉरिक्स और एब्डोमेन तुम देख ही रहे हो यार, ये थॉरिक्स में 3 डाल दी, एब्डोमेन में 6 डाल दी, हार्ट हेड में तो कुछ डाला ही नहीं। मतलब हेड के पास कुछ ज्यादा मामला नर्व्स में है नहीं। तो कॉकरोच की मुंडी काट दो, ले आओ तलवार, कॉकरोच के लिए तो चाकू ही तलवार है, तुम ले आओ चाकू, ठीक है, इस चाकू से कॉकरोच का मुंडी काट दो, कॉकरोच का हेड काट दो। अगर आपने कॉकरोच का हेड कट भी कर दिया ना, ये देखो यहां से इसके धड़ से हेड कट भी कर दिया, तो भी कॉकरोच कैन सर्वाइव फॉर 1 वीक, एक हफ्ते तक कॉकरोच जिंदा रह सकता है। पता है क्यों? क्योंकि बेटा हेड में उसका कुछ खासा नर्वस सिस्टम तो है नहीं, सारे के सारे गैंगलिया तो नीचे थॉरिक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो आप अगर कॉकरोच का एक हेड काट दोगे तो एक हफ्ते तक जिंदा रहेगा। अब तुम पूछो मैम एक हफ्ते तक क्यों रहेगा इसको, फिर हेड में अगर नर्वस सिस्टम है ही नहीं तो हमेशा जिंदा रहे बिना धड़ के घूम, बिना हेड के घूमता रहे, बताओ? ये भी तो सवाल आता है। एक वीक तक भी क्यों, इसको एक महीने तक रहना चाहिए, दो महीने तक रहना चाहिए, जब तक जान है ना तब तक रहना चाहिए। हां जी क्या कोई अपना कॉमन सेंस लगा सकता है कि भैया एक हफ्ते तक भी क्यों, फिर तो पूरी उम्र जिंदा रहे है ना, जितनी उसकी लाइफ है उसको पूरा करे, क्यों एक हफ्ते तक जिंदा रहता है, हेड में तो नर्वस सिस्टम कुछ खासा है ही नहीं। यस वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, हाँ एब्सोल्युटली राइट। ये पूर्वेश मुस्कान बिल्कुल सही, ये भूखा मर जाएगा बेटा, हेड तो चला गया, नर्वस सिस्टम तो एक जगह है, बाकी की बॉडी के पास नर्वस सिस्टम तो है लेकिन हेड के पास माउथ पार्ट्स भी तो थे, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। हेड के माउथ ने ही तो खाना खाना था। अब अगर तुमने इसका सर काट दिया तो जितना स्टोर्ड मटेरियल है, स्टोर्ड मटेरियल से ही एक ही हफ्ता मैक्सिमम जिंदा रह सकता है, उसके बाद इसका खाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। खाना खाने के लिए इसको हेड तो चाहिए था, तो खाना नहीं खा सकता, इसी के लिए एक हफ्ते तक इसका स्टोर्ड फूड सर्वाइव करेगा, फिर बेटा भूख से मर जाएगा, ठीक है। देखो कैसी लाइफ है, भगवान ने इतना इसको एडवांस बनाया कि तुम्हारा हेड काट देते हैं तब भी तुम जिंदा ले लो, लेकिन बेचारे की पूरी किस्मत कह रहा है अब मैं भूख से मर गया हूं, नर्वस सिस्टम से नहीं मरा हुआ, मैं भूख से मर गया हूं, ठीक है। तो हेड काट दे तो इट कैन सर्वाइव फॉर 1 वीक, अदरवाइज अब बाकी का समय भूख से मर जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसके सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। 4-5 तरीके के सेंसरी ऑर्गन में बताऊंगी। सबसे पहला सेंसरी ऑर्गन है इसके एंटेनास, एंटेना बताए थे, टच रिसेप्टर्स हैं, स्मेल रिसेप्टर हैं, ये एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं। देन बेटा इसकी आंखें, ठीक है, आंखें, मैक्सिलरी पल्प, ठीक है, लेबियल पल्प, मैक्सिलरी पल्प, पॉल्स लिख दिया, लेबियल पल्प, देन आपके इसके पीछे लगे हुए एनल सरकाई, ठीक है। तो ये 5 तरीके के इसके पास सेंस ऑर्गन्स हो गए। एंटीना की बात हम पहले कर चुके हैं, बात करते हैं बेटा इन आंखों की। आंखें बेटा इसके पास सिंपल आईज भी हैं और कंपाउंड आईज भी हैं। मैंने आपको लिखा था इसके पास सिंपल वाली आंखें भी हैं और कंपाउंड वाली आंखें भी हैं। कंपाउंड आईज जो है ना वो हेड के डॉर्सल सर्फेस, डॉर्सल मतलब ऊपर वाला, हेड के डॉर्सल सर्फेस पर अटैच्ड है, हेड के डॉर्सल, याद रखना है वेंट्रल नहीं, डॉर्सल सरफेस पे अटैच्ड है। कैसी सी रंग की है? ब्लैक कलर की और किडनी शेप्ड है, ब्लैक कलर की आंखें हैं और बेटा किडनी शेप्ड है, ये किडनी मैंने बनाई है, यहां पर याद रख लेना। हर आंख में ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 ओमेटिडिया हेक्सागनल यूनिट, जिनका नाम है ओमेटिडिया, ठीक है, हेक्सागनल यूनिट है ये, कैसे है हेक्सागनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हेक्सागनल यूनिट, जो कि इमेज बनाने में मदद करते हैं, जिसकी मदद से इसकी इमेज बनती है। तो कॉकरोच इन ओमेटिडिया की मदद से बहुत सारी इमेजेस बनाता है एक ही ऑब्जेक्ट की। जब एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, इस टाइप के विजन को हम बोलते हैं मोज़ेक विजन। क्या बोलते हैं? मोज़ेक। क्या बोलते हैं बेटा? मोज़ेक विजन बोलते हैं। तो जब एक ही आई की, एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बने, दैट इज कॉल्ड एज मोज़ेक विजन। और एक बड़ी खास बात है यार कॉकरोच में, एक खास बात बताऊं, कॉकरोच की आंखों में ना इतनी शक्ति नहीं है कि वो क्लियर देख पाए,
लेकिन सेंसिटिव बहुत है. मतलब तुमने कभी देखा होगा, तुम अगर बैठे हो बाथरूम में, ठीक है, यू आर सिटिंग, कॉकरोच दूर है, तुम थोड़ा सा भी मूव करोगे, यू विल डू सम हलचल, तो कॉकरोच को सेंस हो जाती है. मतलब कॉकरोच की आंखें क्लैरिटी नहीं है, उसे तुम क्लियर नहीं दिख रहे हो, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है. यानी कि मैं यहां लिख सकती हूं कि कॉकरोच की जो मोज़ेक विजन है वो सेंसिटिव ज्यादा है. सेंसिटिविटी हाई, मतलब इसको आहट को का बड़ा समझ आ जाता है, पता चल जाता है यार कोई है, लेकिन क्लियर नहीं दिखता. तो सेंसिटिविटी बेटा इन आंखों की बड़ी हाई है, लेकिन ये रेजोल्यूशन है ना, ये पुराने नोकिया के फोन जैसा है. रेजोल्यूशन क्या है बेटा जी, लो है, लेस है, ठीक है. तभी तो बेटा रात में अंधेरा होता है, इसको क्लैरिटी तो चाहिए नहीं, इसको सिर्फ क्या चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए. तो सेंसिटिविटी बेटा इसकी बहुत हाई है. यस बच्चो, सेंसिटिविटी इसके बहुत हाई है. ओके, लेस रेजोल्यूशन, हाई सेंसिटिविटी. सब बच्चे इसको बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, याद करेंगे. इसकी आंखों में लेस रेजोल्यूशन, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मतलब क्लैरिटी नहीं, तुम याद कर लो ये पुराना मोटरोला का फोन है, पुराना नोकिया का फोन है. और सेंसिटिविटी बड़ी ज्यादा है, सेंसिटिविटी ज्यादा, लेस रेजोल्यूशन इसको मदद करता है रात में देखने में. इसी वजह से तो बेटा ये नॉक्टर्नल है, इसी वजह से तो क्या है, नॉक्टर्नल है. ओके, यस, हाँ. तो किचन में भी तो रात को ही दिखता है ना, दिन में यूजुअली नहीं दिखते. मैं ये नहीं कह रही दिन में आते नहीं है, रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बस ये बात है, रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं. चलो जी, हमारे सारे सिस्टम हो गए, सिर्फ एक सिस्टम बचा जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फटाफट से यार सेशन को कम से कम उतने लाइक तो दे दो जितने बच्चे हैं. हजारों बच्चे देख के निकल गए यार, लाइक इतने कम है. तो मुझे और कमेंट सेक्शन में बताना भी जरूर कि क्या आपको ये सेशन मेरे साथ साथ याद हुआ या नहीं हुआ. कमेंट्स में बेटा पर्सनली पढ़ती हूँ, आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई मेक श्योर कि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो पहले नहीं लिखी हुई है उनको लिख के जाऊं, ताकि तुम एक एक चीज मेरे साथ लर्न हो जाए, ठीक है. कमिंग ऑन टू द लास्ट सिस्टम, लास्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें बड़ी चीजें लर्न करने वाली है यार. रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा दुख देता है यार, है ना, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत दुख देता है. अब कॉकरोच क्या है, कॉकरोच बेटा ऐसा तो है नहीं मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही कॉकरोच में, अर्थवर्म थोड़ा ही. यहां पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में है. अगर बॉडी दो है इसके पास, दैट इज कॉल्ड एज डायोशियस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोशियस, ठीक है. यानी कि अपने पास कितनी बॉडी है, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी में मेल पार्ट्स है, एक बॉडी में फीमेल पार्ट्स है. और कॉकरोच शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. क्या शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. इसका मतलब क्या बताया था, मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली. तुम बाहर से देखकर बता सकते हो ये मेल है और ये क्या है, अपना फीमेल है, ठीक है जी, बाहर से देखकर बता सकते हो. सो दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है जी. अब ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है कैसे बता सकते हो, एनल स्टाइल की मदद से यार. एनल स्टाइल लड़कों में होता है, लड़के कहते हैं गाना गाते हैं स्टाइल में रहने का, लड़कियां नहीं गाती, लड़कियां बड़ी सोबर सी हैं यहाँ पर. तो उनके पास एनल स्टाइल नहीं होता, बाकी बेटा उनके बोर्ड शेप जेनिटल पाउच से भी तुम पता लगा सकते हो. चलो पहले शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जो तुमको यहाँ याद रखने, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, मेन मेन पॉइंट्स आपको इसके याद रखने हैं. तो यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें सबसे पहले, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बच्चों बात करें. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो पेयर ऑफ टेस्टिस, यस, पेयर्ड टेस्टिस. सवाल बेटा ये नहीं आएगा कि टेस्टिस है, सवाल आएगा ये टेस्टिस कहाँ है. यस, तुम बोलोगे एब्डोमेन की फोर्थ सिक्स सेगमेंट पे डॉर्सल लेटरली प्रेजेंट है. डॉर्सल मतलब ऊपर वाली साइड, लेटरल मतलब साइड. मान लो ये कॉकरोच है, कॉकरोच की डॉर्सल है, तो डॉर्सल लेटरल ये हो गया और ये हो गया. सेगमेंट का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर्थ टू सिक्स सेगमेंट में डॉर्सो लेटरली प्रस्तुत है. क्या प्रस्तुत है, टेस्टिस का पेयर प्रस्तुत है. टेस्टिस ने क्या बनाए, स्पर्म बनाए. स्पर्म बेटा आगे जाएंगे अगले हिस्से में जिसका नाम है वास डेफरेंस. तो दो टेस्टिस है तो दो ही क्या हो जाएंगी आपकी, वास डेफरेंस हो जाएंगी. वास डेफरेंस पीछे के हिस्से में, पोस्टीरियरली मतलब नीचे को आएंगी. ये देखो मैं तो फोटो के साथ दिखाती हूं यहां पर, लेट मी शो यू बेटा, लेट मी शो यू. हाँ ये देखो, ये अपने टेस्टिस है फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में. ये देख लीजिए फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में, ये जो गोले गोले अंगूर की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, टेस्टिस है. इसके अंदर स्पर्म बनेंगे.
दोनों टेस्टिस से पोस्टीरियरली मतलब पीछे की साइड पे आ रही है, ये पोस्टीरियरली है, इधर नीचे जहां पीछे एनस है पोस्टीरियर है, माउथ वाला क्या इंटीरियर है, दिस इज रनिंग पोस्टीरियरली, तो वास डिफरेंस आ गई। वास डिफरेंस ने अल्टीमेटली इजैक्युलेटरी डक्ट में खुलना है वाया सेमिनल वेसिकल। एक एक लाइन में तुमको याद करा रही हूं बेटा, यहां पर वास डिफरेंस आया, ठीक है, कैसे रन हुआ, तुम बोलोगे पोस्टीरियरली मतलब नीचे की तरफ जा रहा है प्लस डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, यस डाउनवर्ड जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, तुम बोलोगे ये जा रहा है इजैक्युलेटरी डक्ट की तरफ, इजैक्युलेटरी डक्ट की तरफ। ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है वो सिंगल डक्ट है, देखो ह्यूमन से कंपेयर करो, हमारे पास दो इजैक्युलेटरी डक्ट है, मेल के पास, इसके पास एक है, तो ये सिंगल इजैक्युलेटरी डक्ट है, मस्कुलर है, मीडियन है, सेंटर में है और मस्कुलर डक्ट है, यस मस्कुलर डक्ट है, और इसके नीचे आपको क्या दिख जाएगा, एनस दिख जाएगा, लेकिन रस्ते में किसके द्वारा होते हुए जाएगा, सेमिनल वेसिकल के द्वारा, किसके द्वारा होते हुए जाएगा, सेमिनल वेसिकल के द्वारा। तो तुम देख लो यहां पर, ये देखो टेस्टिस आया, वास डिफरेंस के पास गया, फिर बेटा यहां रस्ते में इसको क्या मिला, सेमिनल वेसिकल मिला, ठीक है, सेमिनल वेसिकल से होते हुए ये किसमें चला गया, आपकी इजैक्युलेटरी डक्ट में, ये इधर वाली इजैक्युलेटरी डक्ट है, सिंगल है, ठीक है, इजैक्युलेटरी डक्ट है, इट अल्टीमेटली ओपन्स इनटू द एनस। ओके, तो मैं एक बार इसको यहां से पढ़वा देती हूं तुम्हें, ये देखो कहां गया, हां एवरीवन ओपन योर एनसीईआरटी। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस है, डोर्सो लेटरल साइड पे, लेटरल साइड पे, फोर्थ से सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में, हर टेस्टिस से एक पतली वास डिफरेंस, बेटा मोटी मत लिखाना, थिन वास डिफरेंस निकलती है, जो कि खुलती कहां है, इजैक्युलेटरी डक्ट में। इजैक्युलेटरी डक्ट कितनी है, एक ही है। इस इजैक्युलेटरी डक्ट में कैसे खुलती है, वाया सेमिनल वेसिकल, वहां से होती हो जाती है। फिर इजैक्युलेटरी डक्ट बेटा किसमें खुलेगी, गोनोपोर मतलब जो छेद है इसका, सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। इजैक्युलेटरी डक्ट निकली, ये देखिए, यस किस में खुली, गोनोपोर में खुल गई। ये जो गोनोपोर है ये एनस से वेंट्रल वाली दिशा में प्रेजेंट है, बस चीजें आपको याद रखनी है। देन बीच में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड मिलेगा जिसका नाम है मशरूम ग्लैंड। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है मशरूम ग्लैंड की, सिक्स टू सेवेंथ, तो फोर टू सिक्स टेस्टिस, सिक्स टू सेवेंथ आपका मशरूम ग्लैंड, एंड विच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर कोई पूछे कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल कॉकरोच, यू विल से मशरूम ग्लैंड। ह्यूमन में तो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल है, यहां पर क्या है बेटा, मशरूम ग्लैंड। फिर आता है बेटा इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में गोनोपोर्स है विच आर सराउंडेड बाय फैलोमियर्स। फैलोमियर्स मतलब काइटिन की प्लेट, जिनको गोनापोफाइसिस भी बोलते हो, एंड स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन, याद रखना बेटा, स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल एंड ग्लूड इन द फॉर्म ऑफ बंडल विच आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर। तो समझ आया बेटा, तो क्या क्या याद रखना है, पेयर्ड टेस्टिस है, पेयर्ड वास डिफरेंस है, पतली ट्यूब है वास डिफरेंस, थिन है, ठीक है, और पेयर्ड है, कहां जा रही है, पोस्टीरियर साइड पे नीचे जा रही है, खुलना कहां चाहती है, इजैक्युलेटरी डक्ट में खुलना चाहती है, अल्टीमेटली इजैक्युलेटरी डक्ट ने गोनोपोर में जाके खुल जाना है। ये जो गोनोपोर है ये वेंट्रल टू एनस है, मैं भी हट जाऊंगी तो दिखेगा, रस्ते में इसको क्या मिलेगा, सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल का क्या काम है, स्पर्म को स्टोर करेगा, स्पर्म को टेम्परेरली स्टोर करेंगे। और इसके अलावा आपको याद रखना है मेल का एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड इज मशरूम ग्लैंड, ठीक है, मशरूम ग्लैंड। सेगमेंट बता दो सिक्स टू सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट, फोर टू सिक्स टेस्टिस, सिक्स टू सेवेंथ मशरूम, बस बेटा यही, और साथ में बेटा जी लेबलिंग, टेस्टिस फैलिक ग्लैंड ये ऊपर यहां पर सिचुएटेड है, देन नीचे ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स और फिर बड़ी बड़ी ट्यूब्यूल्स, देन बेटा रस्ते में आपको क्या मिला, सेमिनल वास डिफरेंस, इजैक्युलेटरी, फैलोमियर एंड अल्टीमेटली एनस। ओके, याद हो गया। चलिए अब बात करते हैं फीमेल की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या याद करना है। एवरीवन विद मी, हां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक और चीज बेटा यहां पर याद करनी थी कि मेल जो है वो अकेला स्पर्म नहीं बनाते हैं, स्पर्म जो है वो पैकेट में आता है, बंडल्स में आता है, इस बंडल की प्रॉपर कवरिंग होती है, वो जो लॉन्ग ट्यूब्यूल शॉर्ट ट्यूब्यूल है ना, ये प्रॉपर कवरिंग करते हैं, तीन लेयर की कवरिंग होती है, बट लीव दैट दो थ्री लेयर की किसने क्या रिलीज की, बट इस पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
स्पर्मेटोफोर इस ब्रैकेट का नाम है। तो स्पर्म अकेला नहीं निकलता है, पैकेट्स में निकलता है, इन पैकेट्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। इसी स्पर्मेटोफोर की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये फैलिक ग्लैंड बनाता है। एक बच्चा पूछ रहा है फैलिक ग्लैंड क्या करता है, बता देते हैं। दिस फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर की बाहरली थ्री लेयर सराउंडेड है बेटा, ठीक है, थ्री लेयर सराउंडेड है। ओके, स्पर्मेटोफोर देख रही हूं मैं तुम्हारे कमेंट्स। यस, दिख रहा है। तो अगर कोई तुमसे पूछे मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तुम बोलोगे नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा एंड नाइन्थ स्टर्नम, है ना। ये हमने फर्स्ट पेज पे कर लिया था, तो इसका जेनिटेलिया का पोर्शन की जो लोकेशन थी मेल में, फर्स्ट पेज पे हमने कर ली थी। ओके जी, कर ली थी, यस। चलिए अब आ जाते हैं फीमेल पे। किस पे आ जाते हैं, फीमेल पे आ गया। मेल ने बंडल बना के स्पर्मेटोफोर को रिलीज किया। इस बंडल की तीन लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर यही फैलिक ग्लैंड जो वहां पर लेबल्ड है वो बनाता है। नेक्स्ट आ जाइए फीमेल में। फीमेल जो है ना, सारे के सारे ऑर्गन्स फीमेल और मेल दोनों के एब्डोमेन में प्रेजेंट है। सबसे पहला ऑर्गन है पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। ये भी कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर स्ट्रक्चर है। किस रंग के, येल्लो, मैं येल्लो से ही लिख रही हूं जान के। किस सेगमेंट में है, सेकेंड टू सिक्स। तो तुम सोच रहे हो टेस्टिस छोटी है, मतलब ओवरी बड़ी है। टेस्टिस तो चार से छह में ही आ जा रही है, ओवरी सेकंड टू सिक्स में प्रेजेंट है। सेकंड टू सिक्स में बेटा जी प्रेजेंट है। हर ओवरी के अंदर, ईच ओवरी, जैसे मान लो ये एक ओवरी है, हर एक ओवरी के अंदर ऐसे बेटा लंबी लंबी डक्ट्स प्रेजेंट है जिनका नाम है ओवेरियोल्स। एक ओवरी के अंदर आठ ओवेरियोल, यस, एक ओवरी के अंदर आठ ओवेरियोल्स होते हैं। एट इलोंगेटेड ब्लाइंड ट्यूब्स होती है। ब्लाइंड ट्यूब्स मतलब एक ही दिशा से खुलती है। इनको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन ट्यूब्यूल भी बोल सकते हो, यस, या फिर ओवेरियोल्स भी बोल सकते हो। एक ओवरी में कितनी है, आठ, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, आठ आठ सोलह। इनमें हो क्या रहा है, हर ओवेरियोल में एक ओवा बन रहा है। तो मतलब तुम इमेजिन करो यहां पर आठ ओवेरियोल है, तो एक ओवा दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो मतलब एक टाइम पे एक ओवरी के अंदर कितने ओवा बने। एक टाइम पे एक ओवरी के अंदर आठ, दूसरी वाली के लिए अंदर भी आठ, तो एक टाइम पे टोटल कितने ओवा बने बेटा, सोलह ओवा बने। और ये सोलह ओवा एक साथ फर्टिलाइज करेंगे स्पर्म के साथ, तो फर्टिलाइज एग एक पैकेट में कितने प्रेजेंट होंगे, सोलह। ये मैं अभी आगे प्रूव कर दूंगी, ये मैं आगे प्रूव कर दूंगी। तो टोटल अपने पास एक समय पर कितने अंडे बन रहे हैं, सोलह बन रहे हैं, क्योंकि एट ओवेरियोल इधर है, एक ओवेरियोल में एक ही बनता है। तो वन एग टू एग थ्री एग, इस तरीके से आठ एग इधर बने और आठ एग अपने इधर बन रहे हैं। अब बेटा ओवरी से क्या निकलती है, ओविडक्ट, हमें पता है, जिसको हम फीमेल ह्यूमंस में फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यहां पर हम क्या बोलेंगे, ओविडक्ट, ठीक है। ये जो ओविडक्ट है, दोनों ओविडक्ट दो निकली, दोनों बेटा ओविडक्ट ज्वाइन करके बना ली एक कॉमन ओविडक्ट, इसको वजाइना बोलते हैं। ये कॉमन फेलोपियन ट्यूब यानी कि कॉमन ओविडक्ट को यहां पर क्या बोल रहे हैं, वजाइना बोलते हैं। ये वजाइना खुल जाएगा एक बड़े से चेंबर में, लार्ज जेनिटल चेंबर, ठीक है, जेनिटल चेंबर। ये मैं ऊपर 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 से बता रही हूं, ये जेनिटल चेंबर में यहां पर क्या होगा, जेनिटल पाउच, जेनिटल पाउच। ओके जी, रस्ते में आपको फीमेल्स में भी ग्लैंड मिलेंगे, जैसे मेल्स में तो थे ना फैलिक ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, फीमेल्स में ना एक पेड़ की तरह ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम है कोलैक्टेरियल ग्लैंड, यस। रस्ते में आपको क्या मिला, एक पेड़ की तरह ग्लैंड मिला जिसका नाम है कोलैक्टेरियल ग्लैंड, पेड़ ग्लैंड, ठीक है, कोलैटेरियल ग्लैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है कोलैटेरियल ग्लैंड, मेल कॉकरोच में होता है, फीमेल में, तुम सब मिलके बोलोगे कोलैटेरियल ग्लैंड होता है फीमेल कॉकरोच में। क्या काम करता है ये बेटा, जो अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं फीमेल के अंदर उनका एक कवर बनाता है, तो इट फॉर्म्स द उथिका, उथिका फॉर्मेशन, ठीक है। उथिका क्या है, एक हार्ड सा केस है, हार्ड केस अराउंड, हार्ड केस ऑफ एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा यार, मान लो ये उथिका है, ये डब्बा ना मुझे मिला था फ्लाइट में, इंडिगो की फ्लाइट में, वो लोग खाने के नाम पे ना ये वो दे देते हैं, काजू दे देते हैं, तो काजुओं का डब्बा है ये,
जैसे मान लो ये ऊथी का, तो सबसे पहले ढक्कन, इस पूरे डब्बे को मैंने बोला ऊथी का, इस ऊथी का के अंदर क्या होंगे, एग्स होंगे। ये एग्स कैसे, फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। अब एक टाइम पर एक फीमेल कॉकरोच कितने उथिका, कितने ऐसे डब्बे बनाता है, तुम बोलोगे एक टाइम पर एक फीमेल कॉकरोच 9 से 10 कितने ऐसे डब्बे बनाता है, 9 to 10 उथिका बनाता है। मान लीजिए ये एक उथिका है, ये दूसरा उथिका है, ये तीसरा उथिका, ऐसे 10 है, ठीक है। हर उथिका के अंदर अंडे प्रेजेंट होंगे, फर्टिलाइज्ड एग। अब एक उथिका के अंदर 14 से 16 अंडे होते हैं, मान लो मैं 16 कर लेती हूं, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर प्रेजेंट है 16, ठीक है, तो 16 यहां, 16 यहां, 16 यहां, 16 यहां, मान गए। एक टाइम पे डब्बे कितने आए, उथिका कितने आए, 9 से 10। एक उथिका के अंदर कितने एग्स हैं, 14 to 16 एग्स हैं, 14 to 16 एग्स हैं। और ये सारा मामला 10 उथी के कैरिंग 16 एग्स ईच एक साथ रिलीज होंगे फीमेल की बॉडी से। और फीमेल कॉकरोच पता क्या करेगी, फीमेल कॉकरोच बेटा इन डब्बों को पहुंचा देगी आपके क्रैक्स के अंदर, क्रेविसेस के अंदर, जहां यू नो दरारे है ना, दरारों में जाके रख देगी ताकि डैम्प एरिया मिले और ये अंडे फटे और इसमें से बेबी कॉकरोच निकलकर आए। तो एक टाइम पर बेटा एक फीमेल कॉकरोच से कितने नए बच्चे कॉकरोच बनेंगे, हाउ मेनी, टोटल बता दो। एक टाइम पर बेटा कितना उथिका रिलीज हुआ, तुम बोलोगे एक टाइम पर मेरे पास 9 से 10 उथिका रिलीज हुआ। एक उथिका में कितने अंडे थे, फॉर एग्जाम्पल 14 to 16 में ऑन एवरेज मान लेते हो, 16 ले लो, 16 अंडे थे, तो एक टाइम पर कितने बच्चे बन सकते हैं, तुम देख रहे हो। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में कॉकरोच को क्यों मारा, क्योंकि एक तो फीमेल थी और फीमेल एक टाइम पर अगर रिप्रोड्यूस कर गई तो यार 160 बेबी कॉकरोच, उसमें से अगर 50% भी सर्वाइव कर गए तो 80 कॉकरोच मेरे घर में नजर आते। तो बेटा आप सेल्फ डिफेंस में ये कार्य कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने पे आऊंगी तो यार 10 into 16 दैट इज गोइंग टू बी 160 एग्स, समझ रहे हो, यस 160 एग्स। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो स्पर्मेटोफोर को, जो पैकेट है स्पर्म्स का, उसको रिसीव करता है, उसका नाम है बेटा स्पर्माथीके। यस, इसको अलग डब्बे में डाल देते हैं। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो बच्चों गलत करके आते हैं, जो बच्चे, उसका नाम है स्पर्माथीका। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन, ये है प्रेजेंट 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, 6th सेगमेंट, अभी याद करो। इसके अंदर कौन भरे होते हैं, कंटेन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स इसमें होते हैं, ठीक है, जो कॉपुलेशन में आया। अब तुम समझना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये अपनी 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में ओवरी है, हर ओवरी में 8 ओवेरियोल्स हैं, टोटल मतलब 16 ओवेरियोल हो गए, एक टाइम पे 16 अंडे बने, ठीक है, 16 अंडे बने। अब इस स्पर्माथीके ने, अब जनरली बेटा क्वेश्चन आता है स्पर्माथीका इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल, तो एक नॉर्मल बच्चे के माइंड में आते स्पर्म है, स्पर्म तो फीमेल में ही होता है, स्पर्म तो मेल में ही होता है, तो मेल टिक कर दो। बेटा होता स्पर्म वर्ड रिलेटेड टू मेल है, लेकिन यहाँ पर स्पर्माथीका वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल में है और कॉपुलेशन के दौरान जो स्पर्मेटोफोर आते हैं, बंडल ऑफ स्पर्म आते हैं, उनको लेकर रख लेता है, ठीक है। तो स्पर्माथीका नाम जरूर मेल है, लेकिन बेटा ये फीमेल का पार्ट है, 6th सेगमेंट में है, क्या करता है, कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म को रिसीव करता है और अपने पास रख लेता है, ये बैठा यहां पर। तो ऊपर से कौन आए, एग्स आए, तो 8 एग यहां से आए, 16 एग आए, 16 एग बेटा वजाइना से होते हुए पहुंच गए इस कॉमन चेंबर में। इस कॉमन चेंबर में यहां ओवरी तो एग भेज रही है, कितने एग भेज दिए, 16 एग भेज दिए, ठीक है, और स्पर्माथीके से क्या आ जाएंगे, स्पर्म आ जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन बेटा इस कॉमन चेंबर में, जेनाइटल चेंबर में, यहां पर आपके ऊपर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही क्या बना लेते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बना लेते हैं। तो ये जो 16 अंडे फर्टिलाइज हुए, ये एक डब्बे में आ गए, फिर ऊपर से 16 अंडे आए, फिर वो दूसरा डब्बे में आ गए, तीसरे डब्बे में आ गए। तो डब्बा किसने बनाया, डब्बा ये पेड़ लाइक और ग्लैंड ने बनाया, जिसका नाम है कोलैटेरियल ग्लैंड, ठीक है। ये जो पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है ना, कोलैटेरियल ग्लैंड है। तो कोलैटेरियल ग्लैंड डब्बे बनाता जा रहा है, यानी कि उथिका, उथिका मतलब कवरिंग, ये कवरिंग बना रहा है।
कितनी कवरिंग बनाई एक बारी में? 10 कवरिंग बनाई, 9 to 10, और इन कवरिंग्स के अंदर 16-16 एग्स अपने डाल दिए। तो ये कवरिंग बेटा यहां फीमेल के जेनिटल पोर से निकलकर बाहर आ जाएंगी, और इसको ये कहां छोड़ेंगे? क्रैक्स में, जहां पर दरारें हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी ह्यूमिड चीज, ह्यूमिड एरिया उनको मिले आगे ग्रो करने के लिए। तो क्या रिप्रोडक्शन आपको समझ आया? यस, बताओ फटाफट से, पता चला? तो मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल किसके हिस्से हैं? मेल के। कलैटीरियल ग्लैंड केसिंग बना रहा है, ठीक है। आपका दूसरा स्पर्माथीका किसका हिस्सा है? आपके फीमेल का हिस्सा है। तो यहां से आए, यहां से आए बेटा स्पर्म, इधर से आए आपकी ओवरी, ऊपर से ओवरी का ढक्का केसिंग बनाई हमने एग्स के लिए विद द हेल्प ऑफ कलैटीरियल ग्लैंड। यस बच्चों, 100% क्लियर? 100% बेटा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब यार इन्होंने जो केसिंग थे, जो ऊथीका थे, वो डाल दिए, कहाँ डाल दिए? क्रैक्स में डाल दिए। अब आगे उसकी ग्रोथ होनी है, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट होनी है। तो याद रखना है अबाउट डेवलपमेंट, स्पर्माथीका मैंने बता दिया, देन कमिंग ऑन टू द डेवलपमेंट। अब इन अंडों में से बेटा निकलेगी कॉकरोच की स्टेजेस। एक अचानक से एडल्ट कॉकरोच नहीं बनेगा, यहां पर जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे है, और कुछ स्टेजेस से है जिनको हम निम्फल स्टेजेस बोलते हैं। फिर उनकी स्किन झड़ती है, मान लो फर्स्ट निम्फल स्टेज बनी, स्किन झड़ी सेकंड, फिर उसकी स्किन झड़ी यानी कि एक डाइसिस हुआ थर्ड, काइटिन झड़ता है ना, काइटिन झड़ता इसीलिए है क्योंकि बेटा अंदर के ऑर्गन्स को ग्रो होने के लिए जगह चाहिए। अगर छोटे वाले में ही हम ऊपर प्रॉपर टाइट काइटिन डाल देंगे तो उसके ऑर्गन्स बड़े नहीं हो पाएंगे। तो पुराना वाला काइटिन हटाओ, थोड़ा सा बड़ा करो, फिर काइटिन लगाओ, फिर बेटा काइटिन हटाओ, थोड़ा सा बड़ा करो, फिर काइटिन लगाओ। तो इस तरीके से कॉकरोच की जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल होती है है ना, ग्रेजुअल है, अचानक से नहीं हो जाता। किसके द्वारा होती है? कुछ निम्फल स्टेजेस हैं। कोई बता सकते हैं कितनी निम्फल स्टेजेस हैं? तुम बोलोगे टोटल 13 निम्फल स्टेजेस है, जैसे 13 इनके और चेंबर्स थे इनके हार्ट में, 13 निम्फल स्टेजेस हैं, और 13 निम्फल स्टेजेस के बाद अल्टीमेटली आपका एडल्ट कॉकरोच आता है। इस टाइप की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। किस ऐसी डेवलपमेंट जो कि अचानक से नहीं हो रही है, निम्फल स्टेजेस के द्वारा एक बाय एक, स्टेप वन से स्टेप टू थ्री फोर देन 13 तक ग्रेजुअल हो रही है, इसको बोला जाता है पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। ठीक है जी, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। तो कितनी निम्फल स्टेजेस आई? 13 आई। अब याद रखना है कि इन 13 में से, ध्यान रखना है, नेक्स्ट टू लास्ट से मतलब एक नेक्स्ट निम्फल स्टेजेस के पास क्या होते हैं? विंग पैड्स होते हैं। क्या होते हैं? विंग पैड्स। लेकिन सिर्फ एडल्ट कॉकरोच ऐसा है जिसके पास विंग्स होते हैं, ये मेंशन है। आप बोलोगे क्या निम्फल स्टेजेस के पास विंग्स होते हैं? तुम बोलोगे नहीं। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज के पास विंग पैड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एडल्ट कॉकरोच ऐसा है जिसके पास प्रॉपर फंक्शनल विंग्स प्रेजेंट होंगे, प्रॉपर फंक्शनल विंग्स प्रेजेंट होंगे। ओके, हाँ जी बेटा बताइए। तो एक बार देख लो, यहां से बता दिया मैंने, हाँ ये भी बात हो गई कि एक बारी में कितने ऊथीका आएंगे, 9 से 10, हर एक के अंदर 16 एग्स होंगे, पोरो मेटाबोलिस है, डेवलपमेंट इज थ्रू निम्फल स्टेजेस, कितनी है टोटल? 13 है। नेक्स्ट टू लास्ट के पास क्या है? विंग पैड्स। सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के पास, या ओनली लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एडल्ट के पास क्या प्रेजेंट होगा? विंग्स होंगे। क्या कॉकरोच का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है यार, कंटामिनेशन करते हैं, डराते हैं, परेशान करते हैं, और हमारा खाना वाना खराब करते हैं, और एस्थेटिक सेंस भी खराब करते हैं। ओके, सो दे स्पॉइल द फूड, कंटामिनेटेड, स्मेली एक्सक्रीटा होता है, स्मेल मारते हैं, और बेटा बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीजेस को भी ट्रांसफर करते हैं। दिस इज इट, कॉकरोच यहां पर समाप्त हो गया। हां जी, तो एक बारी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक आखिरी बारी, अगले एक मिनट में, 1 मिनट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम सुनोगे? 1 मिनट में मेरे बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम सुनो। इधर मेल है, इधर फीमेल है, जस्ट मेरे को देखो बेटा, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन शुरू करो,
क्या शुरू करना है आपने? इमेजिनेशन. थोड़ा सा बस ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो बड़ा आसान है. इमेजिनेट करो. यस, कम विद मी नेक्स्ट टू मिनट्स. पे अटेंशन. मेल फीमेल. मेल ने क्या बनाना है? स्पर्म्स बनाने हैं. क्या स्पर्म ऐसे ही रिलीज हो जाएंगे? नहीं. स्पर्म बेटा पैकेट्स में रिलीज होते हैं. इन पैकेट्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर. स्पर्म बनाने के लिए क्या ऑर्गन है? आंसर देते जाओ. स्पर्म बनाने के लिए मेरे पास क्या है? टेस्टिस है. टेस्टिस जो है वो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में लंबी लंबी प्रेजेंट है. ये 4 to 6 वाली टेस्टिस, हर टेस्टिस में से निकला एक एक वास डेफरेंस. वास डेफरेंस अल्टीमेटली खुलना चाहता है सिंगल मीडियन इजैकुलेटरी डक्ट में, लेकिन रस्ते में से होता हुआ जाएगा कहां से? सेमिनल वेसिकल में. सेमिनल वेसिकल एक वो ऑर्गन है जहां पर स्पर्म्स क्या होते हैं? स्टोर होते हैं. ठीक है. अब साथ में यहां पर एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसका नाम है मशरूम ग्लैंड. क्या है? मशरूम ग्लैंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो क्या करता है? स्पर्म्स को खाना देता है, नरिश करता है. और यहां पर एक और ग्लैंड आपको दिखाई देगा, फैलिक ग्लैंड है. ये फैलिक ग्लैंड क्या करता है? जो स्पर्म के बंडल है ना, स्पर्मेटोफोर, उसके बाहर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन बना रहा है? फैलिक ग्लैंड बना रहे हैं. फिर बेटा ये सारे बंडल निकलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट से. इजैकुलेटरी डक्ट खुल जाती है मेल के गोनोपोर में, छेद में. छेद की कवरिंग किससे हुई हुई है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि फैलोमियर से हुई हुई है. दैट्स इट. That's it for male. इसने बेटा बंडल निकाल दिए. बंडल गए कॉपुलेशन के दौरान फीमेल के पास. फीमेल में बंडल कहां चले जाएंगे? स्पर्माथीका में. स्पर्माथीका फीमेल की 6th सेगमेंट में प्रस्तुत है. ठीक है, बंडल गए स्पर्माथीका के पास. चलो जी, अब स्पर्म तो आ गए, फीमेल को एग तो अपना खुद बनाना है. तो फीमेल के पास भी ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज है. कहां कहां पर है? 2nd to 6th, लंबे लंबे ऐसे पान की तरह. ठीक है, पान की तरह पेयर ऑफ ओवरीज है. 2nd to 6th, हर ओवरी के अंदर 8-8 ओवेरियोल्स हैं. ठीक है, हर ओवेरियोल के अंदर एक एक अंडा बन रहा है, एक एक एग बन रहा है. तो टोटल एक टाइम पर कितने एग बने? 16 एक ओवरी, 8 एक ओवरी, 8 दूसरी. यहां से क्या निकले? आपके 16 एग्स निकले, ओविडक्ट में आए, फिर कॉमन ओविडक्ट वजाइना में आए, वजाइना से होते हुए चेंबर में चले गए. है ना, एक यहां पर वजाइनल चेंबर है. स्पर्माथीका ने स्पर्म रिलीज किए, इन्होंने एग रिलीज किए, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया. क्या बन गए? फर्टिलाइज्ड एग. कितने बने एक टाइम पे? 16 बने ना, 8-8 आए और 16 बने. अब इन 16 एग्स की ढक्कन बना दो. ठीक है, ढक्कन बनाने के लिए ग्लैंड आया, पेड़ वाला कोलैटेरियल ग्लैंड. कोलैटेरियल ग्लैंड ने इसका ढक्कन बनाया. ढक्कन का नाम है उथीका. ठीक है, एक टाइम पर कितने उथीका बने? 10 उथीका बने. हर उथीका के अंदर 16-16 एग्स है. ठीक है, तो ये 10 उथीका कैरिंग 16 एग्स निकल गए फीमेल के गोनोपोर से. ठीक है, गोनोपोर से निकले, कहां डाले उसने? क्रैक में डाल दिया. थोड़ी ह्यूमिडिटी मिली, उसने ग्रो करना शुरू किया. अब ग्रो करने में उसको अचानक से कॉकरोच नहीं बनेगा, निम्फल स्टेजेस आएंगी. कितनी? 13. नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेजेस के पास विंग पैड्स है, एडल्ट के पास विंग पैड्स नहीं है. ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है जिसमें एक निम्फ होता है, फिर मोल्टिंग होती है, फिर दूसरा निम्फ होता है, इसको बोलते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट. बस कॉकरोच बन गए, बेबी कॉकरोच. हमारे किसी काम के नहीं, परेशान करते हैं, मार मुड़ के खत्म क्यों. यस, क्या आपने ये 2 मिनट सुना? पॉडकास्ट टाइप था. अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं बेटा आधे घंटे में पूरे के पूरे चैप्टर का भी ये प्लान कर रही हूं. अच्छा लगा, मैंने भी सुना कहीं, मुझे भी अच्छा लगा, एंड आई थॉट इट कैन हेल्प. तो क्या आपको ये ऑडियो से भी समझ आता है? अगर हम कहें, आप कहें, तो हम ये ऑडियो वाली सीरीज भी एक चला सकते हैं साइमल्टेनियसली. जो चैप्टर अभी हम लाइव नहीं कर रहे हैं उनका रिकॉर्डेड में 40 मिनट या 30 मिनट का ऑडियो, 30 मिनट्स में चैप्टर डन, ऑडियो की फॉर्म में भी कर सकते हैं. तो मुझे बड़ा मजा आया यार ऑडियो बताते हुए. यस, फ्रॉग एंड अर्थवर्म की बात ना मैंने स्टार्टिंग में किया यार, स्टार्टिंग में किया. जो बच्चा लेट आता ना मैं उससे फिर बात नहीं करती हूं. बारी बारी एक ही चीज मेरे से मत पूछिए, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कब होगा वो, क्यों होगा और कैसे होगा. यस, सी पहुजा पॉडकास्ट, वाओ वेरी नाइस. एक तो यार मेरी 10 मिनट सीरीज का उद्घाटन नहीं हो पा रहा, बड़े कलंक लगे हुए हैं उस पर, उसकी आज मैं पूजा कराऊंगी. आज तो दूंगी, मैं रोज बोल रही हूँ यार, अब मैं बोलूंगी नहीं, अब मैं बोलूंगी नहीं, अब मैं करके बताऊंगी तुमको. आई एम सो सॉरी, मेरे साइड से बेटा थोड़ा सा लैग है, बट आई हैड बिन सो ऑक्यूपाइड, सो मच ऑक्यूपाइड, बट कोई बात नहीं यार, उसको करते हैं. एंड आज आपको लैक ऑपरॉन उसमें मिल ही जाएगा. मैंने ना पता है उसके नोट्स बना लिए हैं लैक ऑपरॉन के, बस वो रिकॉर्ड करना है. आज पक्का कर देंगे यार इसको. ठीक है, थोड़ा सा झेल लो यार, थोड़ा सा झेल लो, बट अब थोड़ा गियर अप होते हैं, इसको भी सोचते हैं पॉडकास्ट. मुझे बताना, आप कमेंट से बता के जाना कि यस मैम हमें पॉडकास्ट चाहिए या नहीं चाहिए. तो ये यार इसके सुपर नोट्स है. ठीक है, सुपर नोट्स है. अच्छा, मैंने तुम्हें हैंड रिटन में लिखवा दी है सारी मेन मेन चीजें. विद दिस वी आर डन विद कॉकरोच. बस आपको ये हैंड रिटन और मेरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी देख कर जानी है. 15 मिनट लगेंगे तुम्हें, 15 मिनट में चैप्टर तैयार है, 15 मिनट में चैप्टर तैयार है.
ठीक है 15 मिनट में चैप्टर तैयार है. ओके सो विद दिस वी आर डन विद कॉकरोच. कैसा लगा मुझे जरूर बताना. एंड हाँ एक यार अगर कोई बच्चा यहाँ पर 2024 और 2025 का बच्चा है तो यार आपके लिए कितना ऑफ चल रहा है. यस आपके लिए कितना ऑफ चल रहा है 20% ऑफ चल रहा है. बाकी 2023 वाले बच्चे तो मुझे मिलेंगे 5 बजे और फिर मैं आपको मिलूंगी 10 मिनट वाली सीरीज में. कल हमने क्या करना है माइक्रोब. बेटा मुझे आज कमेंट्स चाहिए. दो चीजें मैंने आपसे कमेंट्स में पूछी है. कल माइक्रोब्स और देखो कॉकरोच कैसे दिख रहा है यहाँ पर. बड़ा भयानक कॉकरोच बनाया है इन्होंने है ना. तो माइक्रोब करेंगे फिर अपन लोग स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर इसी तरीके से निपटा देंगे. ओके जी स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर इसी तरीके से निपटा देंगे. सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करो यार. ओके एक मिनट यार क्या दिखाना था मैंने तुम्हें. हाँ लेट मी जस्ट शो यू. हाँ तो ऑल द 2024 एंड 2025 एस्पिरेंट्स अभी आपके लिए मेरे दोनों बैचेस पर विश्वास और आरंभ पर चल रहा है 20% ऑफ. सिर्फ 14 अप्रैल तक है. तो कोड आपको मेरे से और मेरी पूरी टीम से पढ़ने के लिए और मेरी मेंटोरशिप के लिए क्या लगाना है सीप लाइव. ठीक है मेरा नाम है सीप आगे लगाना है लाइव. अगर आपको मेरे से कोई डेमो क्लास चाहिए कि मैम आप कैसा पढ़ाते हो तो माई होल लिंक ट्री इज माई डेमो क्लास. डेमो क्लास वैसे कोई एक देता है. मैं तो यार पूरा का पूरा लिंक ट्री दे रही हूं. गूगल पर सॉरी गूगल पर जाकर आप डालिए लिंक ट्री जी पाउजा. बस ये डालिए आपको मिल जाएगा डेमो के नाम पे पूरा का पूरा सेशन. तुम्हें मेरा डिटेल डेमो देखना है डिटेल देखो. अभी देखना है अभी देख लो. यार मेरा पढ़ाने का तरीका चाहे वो YouTube हो या फिर कुछ भी हो वो बदलता नहीं है. ठीक है मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है मेरे हर बच्चे के लिए क्योंकि हर बच्चा मेरे लिए मैटर करता है एंड हर बच्चा पोटेंशियल डॉक्टर है. मैं तो तुम्हें डॉक्टर लेके चलती हूँ. तुम मेहनत करोगे मेरे साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पूरा जोर लगाओगे बहुत अच्छा करोगे. ठीक है तो आरंभ बैच में 2025 के लिए 2 साल का बैच है. 11, 12 दोनों कराया जाएगा. प्रॉपर सेशन स्केड्यूल होते हैं यहाँ पर एंड डीपीपी पीवाईक्यूज डाउट क्लियरिंग सेशन एवरीथिंग इज देयर. एंड 2024 वालों के लिए मेरा बैच है विश्वास बैच. ठीक है जिसमें भी 11th एंड 12th दोनों कराई जाएगी. और अभी बेस्ट समय है क्योंकि अभी तुम्हें 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल रहा है. यानी कि जितने भी महीने का कोर्स है उसमें 24 मान लो 12 महीने का लेते हो तो 3 महीने एक्स्ट्रा 15 महीने हो जाएंगे. ठीक है और कोड आप क्या लगाएंगे सीप लाइव लगाएंगे. इस सीप लाइव से तुम सबका क्लास देख पाओगे मेरा भी देख पाओगे और मेरी गाइडेंस भी आपको हर बच्चे को मेरे साथ आपके साथ रहेगी. एक चीज बेटा और बतानी थी क्या है कि हर संडे 2023 वालों के लिए AIMT हो रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. आई होप आपने इस संडे दिया था. कल मैंने उसका पेपर भी सॉल्व करवाया. कल बेटा उसका पेपर भी सॉल्व करवाया. देखा ना कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है. तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आपको वो पेपर देना ही देना है. फ्री है बेटा इसका कोई पैसा नहीं है बिल्कुल फ्री है. जस्ट लिंक पर जाओ डिस्क्रिप्शन में गिवन है कोड लगा देना. बस कोड पूछेगा सीप लाइफ दैट्स इट. और ये सारी PDF मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम पे दे रही हूँ. मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना. और बेटा एक बहुत बढ़िया न्यूज है कि एक शिक्षा महोत्सव है जो कि स्टार्ट हो रहा है सारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए. इसके विनर्स बेटा आपको मिलेंगे 17 अप्रैल को. ठीक है इसमें बहुत सारे प्राइजेस हमने रखे हैं तो आप बेटा अपनी डिटेल्स भरने के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं. यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं. हाँ स्कैन कर सकते हैं शिक्षा महोत्सव में आने के लिए. ठीक है जी चलो जी ओके. सो सेशन बेटा आपको बढ़िया लगा तो लाइक करना. कल मिलेंगे माइक्रोब्स के साथ. ठीक है कीड़े मकोड़ों को खत्म कर रहे हैं हम. आज वो कीड़ा मकोड़ा जो आंखों से दिखता है कल वो कीड़े मकोड़े लेके आएंगे जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हाईलाइट नहीं दिए चलो दे दूंगी आज. ओके मिस हो गए होंगे बने पड़े मिस हो गए होंगे दे देती हूँ. ठीक है चलो बेटा मिलते हैं 5 बजे. पढ़ाई करते रहो फिजिक्स केमिस्ट्री में फोकस करो. बायो की तुम टेंशन मेरे पे छोड़ दो. पूरी की पूरी बायो इस तरीके से तुमको याद एक बारी पहले भी कराई थी दोबारा भी कराऊंगी तिबारा भी कराऊंगी. तुम बोलोगे 7 मई तक हम इस बायो को याद करते रहेंगे. बायोलॉजी आप मेरे पे छोड़ दीजिए बस अपने फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करिए. इस क्लास में आप बायो का जितना करना है वो लर्न करके जा रहे हैं और शाम को 5 बजे क्लास में भी आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं. ठीक है जी चलो बाय बाय गाइस टेक केयर थैंक यू सो मच.